हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द सेशन स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सबसे ज़्यादा पूरे साल के सबसे बड़े धमाकेदार सेशन में ओ माय गॉड फाइनली अब तो बस कुछ नहीं परसों एग्जाम में बैठना है आज के वीडियो में इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है जिसके अंदर ग्रामर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं पूरे साल भर ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ uh, फॉलो करते हैं बट जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है सो so, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले लास्ट मिनट रिवीजन मतलब क्या जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर की टॉपिक्स है इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले है सो so, धमाकेदार सेशन होने वाला है दो घंटा लगेगा क्योंकि बहुत सारी टॉपिक्स है बैक टू बैक बैक टू बैक ग्रामर की डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ाते जाऊंगी काइंडली रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज एक किताब और पेन लेकर सेशन देखो वरना कोई फायदा नहीं है भूल जाओगे सब दो घंटा पढ़ोगे लेकिन फिर दो घंटे बाद सब भूलना स्टार्ट हो जाएगा डेट इज वाई प्लीज पेन पेपर लेके बैठो जो भी ग्रामर टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना उसका हेडिंग डाल दो ठीक है जो भी ग्रामर टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसमें मान सबसे पहले मैं शुरुआत करी टेंसेस से तो टेंसेस डालो जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स बोल रही है वो लिखो फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना मॉडल ऑक्सिलरी तो मॉडल ऑक्सिलरी डालो ताकि आप लोग रात में कल एग्जाम के दो घंटे पहले वो जो नोट्स बनी होगी दो पन्नों की तीन पन्नों की उसको आप रिवाइज करो राइट right. सो so, यहाँ पे कितने बच्चे आ गए तीन हजार बच्चे यहाँ पे अपने महाराष्ट्र के आ चुके हैं क्या सारे के सारे बच्चे पेन पेपर लेके बैठे हैं क्या मैं सेशन शुरू करने से पहले बोल रही हूँ देखो फिर वरना आप देख तो लोगे मजे से लेकिन कोई ये स्टोरी टाइप तो है नहीं ना कि आप स्टोरी समझ लिए तो फिर अपने ओन लैंग्वेज में लिख दोगे रूल्स है यार बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स आएगी जम्बल्ड हो जाओगे चलो भाई सब लोग अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ दो मिनट दे रही हूँ तशरीफ उठाइए जरा और पेन पेपर लेके सेशन को देखिए ग्रेट एवरी वन क्या बात है जोश तो फुल हाई लग रहा है बच्चों का oh my God, सारे के सारे बच्चे ग्रामर से डर रहे थे नाज मैम है ना बोली थी मैंने आपको एग्जाम के एंड मोमेंट तक आपका सपोर्ट करूंगी सो so यहाँ पे मैं आ चुकी हूं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की डिमांड को पूरी करने के लिए सो यस कम ऑन एवरी वन आज फाइनली छ महीने बाकी है चार महीने बाकी है एक महीना बाकी है अब सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी है यार 19 फ़रवरी है आज और परसों सुबह 11 बजे यानी कल 20 तारीख का ही आपका पूरा दिन बचा हुआ है परसों सुबह 11 बजे आपको पेपर में बैठना है एक चीज याद रखना यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं लाइव क्लास देखने के लिए आप कुछ उम्मीद लेके आए हो कि आज आपकी कुछ ना कुछ पढ़ाई हो जाएगी तो बिल्कुल टिके रहना बस टिके रहना बीच बीच में आपको मन होगा अरे यार बस थक गया आधा घंटे बाद आपको लगा कि बंद कर देता हूँ उसको रिकॉर्डिंग देख लूंगा नहीं सबसे बड़ी गलती करोगे आप अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आए और आप उठने गए किसी भी हालत में दो घंटे तक आपको टिके रहना है बीच बीच में मैं आपको ब्रेक दूंगी पांच पांच मिनट के जब तक मैं ब्रेक नहीं दे रही हूं आपको मेरे साथ टिके रहना है मैं खुद दूंगी ब्रेक आप मत जाना खुद से उठ के क्योंकि आपकी नजर हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन हो जाएगी ठीक है सो so, यहाँ पे बैठे सारे के सारे बच्चे मैं आपको ब्रेक दूंगी आप खुद से उठ के कहीं मत जाना ठीक है याद रख लो ये एक चीज ना हो ना उम्मीद ना अपना इरादा बदल ना हो ना उम्मीद ना अपना इरादा बदल तेरी कोशिश ही तेरी तकदीर बदलेगी तो याद रख लो कोशिश करने आए हो उम्मीद लेके आए हो भाई तकदीर बदलेगे ठीक है मार्क्स बढ़ेगे अपन फुल ऑन प्रैक्टिस करेंगे कम ऑन चलो जी सो so, यहाँ पे आपको दिख सकता है नाज मैम मैराथन को देखकर आप क्या कर सकते हो अपना बोर्ड एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हो बस मैं बार बार आपको बोल रही हूँ पेन पेपर लेके बैठो प्लस समझ गया है ना क्या बोल रही हूँ उठना नहीं बीच में ठीक है सो so, क्या बात है इस साल का हमारा मैराथन हो रहा है एंड देख सकते हैं यहाँ पे तीन हजार आठ सौ बच्चे जुड़े हुए हैं सारे के सारे बच्चों का एकदम जोश हाई है एंड ग्रेट मैं थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं <laughs> हाँ चलो थोड़ा याद रहेगा ना यार हर साल का ये जो मैराथन होता है बहुत प्रीशियस होता है मेरे लिए चलिए जी क्या आपकी इजाजत है आर यू ऑल सेट सब लोग सेट हो पढ़ने के लिए दिमाग शांत करो अपने आप को बोलो भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ कमेंट सेक्शन से ध्यान हटा दो अब मैं जो भी पढ़ाऊंगी उस पर आपका फुल ऑन फोकस होना चाहिए प्लीज हो सके तो मोबाइल जो है अपने हाथ में पकड़ के मत बैठो आपके आसपास जो भी टेबल है जहां पे भी वहां पे रखो आपके हाथ में पेन पेपर रखो ठीक है वो जबरदस्ती मोबाइल पूरा दो घंटा पकड़ के रखोगे ठीक है टेबल में बैठ के देखो चलो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारा आज का सेशन देखते हैं कितने बच्चे दो घंटे तक टिके गए अभी तो चार हजार बच्चे जुड़े हुए दो घंटे तक क्या नंबर होगा पता चल जाएगा कितने बच्चे टिके रहेंगे और कितने बच्चे हार मान के चले जाएंगे याद रखो बार बार बोल रही हूँ सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा तपना भी पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी शॉर्टकट नहीं है ठीक है मैं तो फिर भी आपके लिए लाई हूं रिविजन ठीक है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े अलग अलग एक ही वीडियो में काम खत्म कम ट्वेंटी बैच का टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बैच का हमारा महा मैराथन इंग्लिश ग्रामर पे होने जा रहा है आप बोलोगे मैम आप अभी बाकी का कैसे करवाओगे तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दी हूँ आज रात लेट नाइट स्टडी करवाने वाली हूँ सारी सा, की सारी पोयम की तो यहाँ पे जितने भी बच्चे नाइट आवल है अपने जो रात में जागते हैं वही सेशन को देखना जो बच्चे सुबह जल्दी उठते आप लोग सो जाना सुबह उठ के रिकॉर्डिंग देखना किसकी मैं बात कर रही हूं लेट नाइट स्टडी करेंगे पोयम्स की मतलब मैं आपको आपकी आटो पोयम्स आ, का शॉर्ट रिवीजन करवाने वाली हूं आज प्लस सारे के सारे एप्रिसिएशन प्लस सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच क्या एक्सप्लेनेशन मतलब जो भी चीज आपके पोयम सेक्शन से रिलेटेड है आज रात लेट नाइट स्टडी होने वाली है भाई रात के दो तीन बज जाएंगे पढ़ते पढ़ते Uh, मैं आपको बताऊंगी मतलब लेट नाइट मतलब वही समझ लो बारह एक बजे में लाइव आऊंगी और फिर उसके बाद चलेगा अपना दो घंटे में खत्म हो जाएगा फिर कल जो है कल अपन लास्ट मिनट रिविजन देखो रिविजन करवा रही हूँ मैं पढ़ाऊंगी नहीं लाइन टू लाइन ठीक है रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के एक दिन पहले रिविजन करके ही जाना होता है तो मैं कल क्या करने वाली हूँ कल दोपहर तीन बजे लाइव आऊंगी आपके सारे चैप्टर्स राइटिंग स्किल्स एंड नॉवल की आंसर राइटिंग हम करने वाले हैं ठीक है, है? सुबह लेके आपको जो पढ़ना है पढ़ो जो प्रैक्टिस करनी है करो कल दोपहर तीन बजे हम इंग्लिश का रिवीजन करने के लिए बैठ जाएंगे ठीक है खा पी के मस्त आराम से क्या करना थोड़ा सा नेप लेना नेप ले लेना उठ जाना तीन बजे आना इसी चैनल पे इंग्लिश का लाइव क्या होने वाला है लास्ट मिनट रिविजन ये अपना लास्ट वीडियो होगा इस बैच के स्टूडेंट के लिए तो ये मेरी प्लानिंग है ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो तो चलो भाई अपना आज का शुरू करते हैं आज तो अपना ग्रामर है चलिए जी तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स आएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स अपने को कवर करूंगा तो सबसे पहला टॉपिक है टेंसेस भारी मात्रा में हर साल पूछा पूछता है देन है मॉडल ऑक्सिलरी देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डिग्री ऑफ कंपेरिजन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉपिक स्पीच रिथॉरिकल क्वेश्चन रिमूव एंड एड वर्ड्स स्पॉट दरर एंटोनिम सेनोनिम इन्फिनेटिव एंड जैर फिगर ऑफ स्पीच आर्टिकल प्रिपोजिशन हाँ तो ये सब जो देखो और भी टॉपिक्स है बट ये सब अपने को नहीं पढ़ना है मतलब ये आज तक कैसे आया नहीं है बस तो सिलेबस में दे रखा है लेकिन आया नहीं है तो अपने को तो रिविजन करना तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का करेगा तो अभी जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताई ये सब मैं आपको बैक बैक टू पढ़वाने वाली हूँ शुरू हम करने जा रहे हैं अपने आज की सबसे पहले टॉपिक चलो सारे के सारे बच्चे अपनी किताब खोलो हेडलाइन डाल दो ग्रामर टॉपिक टेंसेस चलो जल्दी लिखो बुक के ऊपर लिख दो ग्रामर टॉपिक टेंसेस ऑन अब गौर से सुनो ये टेंसेस का मतलब क्या होता है मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगी डोंट वरी एंड मोमेंट में आके मतलब वैसा तो मैं एडवांस एडवांस पढ़ा के चले जाऊंगी सब सर के ऊपर से टप्पा मार के जाएगा सुनो टेंसेस का मतलब क्या होता है टेंसेस का मतलब होता है कोई भी कार्य कोई भी काम काम जैसे मैं अभी क्या काम कर रही हूं पढ़ाने का आप क्या काम कर रहे हो पढ़ने का तो मैं टीच कर रही हूं आप स्टडी कर रहे हो अलग अलग इंसान अलग अलग काम करता है इसको ग्रामर की भाषा में हम क्या बोलते हैं एक्शन एंड स्पेसिफिकली अगर एकदम बोले तो मेन वर्ब क्या बोलते हैं ग्रामर की भाषा में कोई भी काम हो लिख रहे हो राइट देख रहे हो सी बैठे हो मस्त सिट चल रहे हो वॉक भाग रहे हो रन सो रहे हो स्लीप खा रहे हो ईट पी रहे हो ड्रिंक कोई भी एक्शन आप कर रहे हो ग्रामर की भाषा में उसको क्या बोलते हैं मेन वर्ब क्या बोलते हैं मेन वर्ब तो वो कोई भी काम आप कब कर रहे हो उसका समय टाइम क्या है टाइम क्या है और उसका स्टेटस क्या है स्टेटस मतलब क्या कि जो आप काम कर रहे हो वो पूरा हो गया या चल रहा है या पता ही नहीं हुआ या नहीं हुआ बस इतना पता है कि वो काम चलता है तो टेंसेस क्या करता है अपने को कोई भी काम का वक्त यानी टाइम और स्टेटस यानी कि प्रोग्रेस बताता है अब टाइम कितने टाइप के होते हैं? वक्त कितने टाइप का होता है एक वक्त बीता हुआ पास टेंस एक वक्त जो भी चल रहा है प्रेजेंट टेंस एक वक्त जो भी आएगा एग्जाम लिखोगे फ्यूचर टेंस तो यहाँ पे टाइम कितना होता है अपने तीन टाइम होते हैं राइट तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पास्ट दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा टाइम है फ्यूचर टाइम तो, तो अपने तीन है मैंने तीनों लिख दी अब टेंस और क्या बताता है एक्शन का एक्शन का स्टेटस भी बताता है ना तो कोई भी एक्शन चार टाइप का स्टेटस दिखा सकते मतलब कोई ऐसा काम जो मैं बोलूंगी अभी करंट मतलब चल रहा है चल रहा है जैसे ग्रामर पढ़ रहे हैं ये काम पढ़ाने का चल रहा है आपकी तरफ से पढ़ने का काम चल रहा है प्रोग्रेस ये वीडियो चल रही है तो हमारा जो भी काम चल रहा है कुछ लिख रहे हो आप वो काम चल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस मतलब वो एक्शन का क्या प्रोग्रेस है कंटिन्यूअस तो पहला अपने को क्या मिला स्टेटस में लिख दी मैंने कंटिन्यूअस रुक इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस या दूसरी भाषा में आप इसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते सॉरी भाषा तो वही है दूसरी तरह से इसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते एक कोई ऐसा काम जो हो गया भाई हो गया हो गया डाउट सॉल्विंग सेशन कल हमने ले लिए डाउट सॉल्विंग सेशन हो गया उसका काम पूरा एक घंटे का सेशन लेके खत्म कर दिए तो कोई भी एक्शन जिसका स्टेटस क्या है वो काम पूरा प्रॉपर तरीके से डन हो गया यानी परफेक्टली डन तो स्टेटस दूसरा टाइप क्या है अपने पास परफेक्ट परफेक्ट मतलब क्या वो काम ऑल डन पूरा खत्म टेंशन ही नहीं है कंटिन्यूअस मतलब क्या चल रहा है भाई चल रहा है खत्म नहीं हुआ जैसे भी ग्रामर अभी बस चल रहा है खत्म नहीं हुआ अभी दो घंटा बाकी खत्म होने में फिर तीसरा क्या है अपने पास ऐसा कोई काम जो शुरू हुआ है कुछ पल पहले वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है अब तक खत्म नहीं हुआ मतलब कुछ ज्यादा टाइम पहले जैसे हम मैं बोलूंगी कि मैं आपको पिछले एक साल से पढ़ा रही हूं तो पढ़ाने का काम जनरल लेवल पे पिछले एक साल से चल रहा है और अभी भी पढ़ा रही हूँ भाई अभी भी चल ही है खत्म नहीं हुआ सो so, उसको क्या बोलते अपन एक साल तो प्रॉपर पढ़ाई परफेक्ट अभी भी चल रहा है कंटिन्यूअस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो अपने को नेक्स्ट क्या मिलता है परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन ये दोनों का ठीक है तो इसमें बस क्या डिफरेंस है कोई ऐसा काम जो बहुत ज्यादा टाइम से चल रहा है चल रहा है चल रहा है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई अभी भी चल ही रहा है ठीक है जैसे आपके कॉलेज में कोई टीचर हो गए पिछले पच्चीस साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहे भाई और अभी भी पढ़ा रहे रिटायर नहीं हुए तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं भाई उनका काम जो है जैसे कि दिस टीचर ई हैज बिन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000 ऐसा जो भी बोलना है बोल सकते ठीक है अब लास्ट स्टेटस अपने पास क्या आता है कोई काम हो रहा है हुआ है हुआ है बट वो चल रहा है वो खत्म हो गया उसका आइडिया नहीं मिलता जैसे मैं बोलूंगी मैं अः uh, मैंगो खाती तो ये सेंटेंस एक जनरल लग रहा है कि हाँ भाई हम ये चीज खाते मतलब भाई है, कोई भी ऐसा काम जो हम बोलते हैं ना खाते हैं या करते हैं सोते हैं लिखते हैं इससे ये नहीं पता चला ना कि भाई वो अभी इस मोमेंट में चल रहा है नहीं चल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल सेंटेंस तो कोई भी एक्शन कोई भी एक्शन जो हमने बोले वो सुनने के बाद पता नहीं चला कि भाई ये एक्शन चल रहा है कि डन हो गया कंप्लीटली तो वो सिंपल क्या होता है सिंपल टेंस इसका दूसरा नाम क्या है इंडेफिनेट टेंस क्या है इसका दूसरा नाम इंडेफिनेट ये एक ही चिड़िया याद रखो सिर्फ उसके दो अलग अलग नाम है तो अपने को क्या पता चला अपने को ये पता चला कि भाई टाइम तो तीन है और स्टेटस चार है अब ये स्टेटस चारों पास्ट में भी हो सकते हैं ये चारों स्टेटस प्रेजेंट में भी हो सकते हैं और ये चारों स्टेटस फ्यूचर में भी हो सकते हैं यानी टोटल कितने टेंस अपने को टोटल कितने टेंस टोटल बारह टेंस मिलेगे कैसे जल्दी बताओ क्योंकि पास्ट में पास्ट वक्त में चार स्टेटस मिल सकते हैं कि वो खाता वो खाया मतलब पास्ट सिंपल कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था पास्ट में चल रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस है ना पास्ट कंटिन्यूअस एक, एक कोई एक ऐसा काम जो पास्ट में पूरा डन हो गया है यानी पास्ट परफेक्ट वो खा चुका था वो पढ़ाई कर चुका था तो ये सारे सेंटेंस क्या हुए हैं पास्ट में डन हुए इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था बहुत टाइम से और अब रुका है तो उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस राइट तो देखो ये चार अपने को मिल गए उसी तरीके से अपने को प्रेजेंट के भी तो मिलेंगे यहां पे मैं प्रेजेंट का लिख देती हूँ ठीक है प्रेजेंट वक्त के अपने को क्या मिले चार अलग अलग एक्शन मिले कोई ऐसा एक्शन जो मैंने अभी बोली मैं खाती हूं मैं सोती हूं मैं भागती हूं तो ये क्या हो गया प्रेजेंट सिंपल कोई ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है इस मोमेंट मैं पढ़ा रही हूं आप पढ़ रहे हो मैं लिख रही हूं मैं देख रही हूं है ना तो ये सारे सेंटेंस क्या हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूस कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी जस्ट डन हुआ है अभी अभी जस्ट डन हुआ है राइट right. जैसे क्या अभी अभी जस्ट डन हुआ है मैं खा चुकी हूँ नहीं मैं यहाँ पे चुकी हूँ हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रही हूँ हाँ पास्ट में क्या हो जाएगा कि भाई आपको सैंपल पेपर भेज चुकी हूं अभी ताजा ताजा एक घंटे पहले क्या भेजी आपको सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर भेज दी यानी भेजने का काम हो गया तो इसको क्या बोलते हैं ऐसा कोई एक्शन जो अभी ताजा ताजा पूरा जस्ट डन हुआ है ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट और कोई ऐसा एक्शन जो पास में हो रहा था हो रहा था भाई और प्रेजेंट आ गया और अभी भी चल रहा है तो ये अपना क्या हो गया present, perfect, continuous. तो कितने अपने को मिल गए जल्दी बताओ कितने टेंसेस मिल गए ये था ये रहा अपना एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ आठ मिल गए अब सेम हम फ्यूचर के साथ भी करेंगे ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिख दी फ्यूचर फ्यूचर के भी अपने को चार मिलेंगे कि कोई ऐसा काम मैं बोलूंगी कि ये होगा ठीक है हम खाएंगे हम फोड़ेंगे हम पेपर को तोड़ेंगे, सब कर देंगे पेपर को जला देंगे आग लगा देंगे तो यहाँ पे क्या है सिंपल फ्यूचर है कोई भी ऐसा काम जो हम बोलेंगे कि भाई परसों ग्यारह बजे में पेपर लिख रहा होगा दो बजे मेरा पेपर कंप्लीट हो चुका हो रहा होगा ठीक है कल तीन बजे हम इंग्लिश का रिविजन कर रहे होंगे तो ये सब काम कब होने वाला है फ्यूचर में और उस वक्त चल रहा होगा तो ये क्या हो गया मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस उसी तरीके से कोई ऐसा काम में जो भाई ये ना फ्यूचर में हो चुका होगा ये थोड़ी बोल बच्चन हवा हवाई वाली बात होती है ना अरे दो बजे परसों दो बजे तक मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका होगा मैं मस्त चिल मार रहा हूँ अभी पढ़ लेता हूँ अबे भाई दो साल बाद तो अपने पास बहुत पैसा आ चुका होगा चुका ये वर्ड कॉन्फिडेंस के साथ अरे भाई एक साल बाद तो मैं आराम से लंदन वंडन घूम के आ चुका हूँ है ना तो ये सब सेंटेंस क्या होते हैं फ्यूचर परफेक्ट जहां पे हम बोलते हैं ये एक्शन फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा तो क्या हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट और फिर लास्ट क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कितना मिल गया यहाँ पे आठ मिले थे ये हो गया नौ ये दस ये ग्यारह और ये बारह यानी आपके टोटल बारह टेंसेस होते हैं इतना एकदम जड़ से क्लियर है अब अपन आते हैं आगे की कहानी में और देखते हैं कि टेंसेस पढ़ने के लिए टेंसेस का दिल और जान क्या है टेंसेस का हार्ट एंड सोल भाई देखो आग लग रही है दिल में इसके बिना टेंसेस आ ही नहीं सकता और वो है वर्ब्स वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं दो टाइप का होता है एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और एक होते हैं मेन वर्ब्स जो मैंने आपको बताई हूं मेन वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं वही भाई इज एम आर वॉज वर ठीक है हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं जल्दी जल्दी लिखो मेरे साथ साथ इज एम आर वॉज वर हैज हैड एंड डू डू डस डस डिड डिड ये सब कौन है ये सब हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते अपने कौन कौन से कैन कूड़ शैल शुड ये वैसे मैं मॉडल ऑक्सिलरी में आपको बताने वाली हूं तो मॉडल ऑक्सिलरी भी हेल्पिंग वर्ब ही होते बस ठीक है तो ये सारे शब्द अपने हेल्पिंग वर्ब होते फिर आते हैं मेन वर्ब्स ठीक है मेन वर्ब्स तो मैंने आपको बताई कोई प्रॉपर एक्शन जैसे कि मैं बैठी हूं तो हो गया सिट मैं खड़ी हूं तो ये हो गया स्टैंड आप देख रहे हो तो सी लिख रहे हो तो राइट मैं पढ़ा रही हूँ तो टीच पढ़ रहे हो तो स्टडी तो कोई भी एक्शन जो प्रॉपर है ये हो गया मेन वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिना टेंसेस का सेंटेंस लिखना इज इम्पॉसिबल तो यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मेरे को कौन सी टेंस में कौन सा लगाना है मतलब टोटल बारह टेंसेस है ना तो बारह में से कौन से टेंस मेरे को कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है और कौन सा मेन वर्ब लगाना है बस इतना क्लियर हो गया टेंस डन है बस मैंने क्या बोली फिर से बोलू टोटल 12 टेंसेस है ना आपको पढ़ने के तो 12 टेंसेस में कौन सा है? टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है और कौन से टेंस में कौन सा मेन वर्ब लगाना है इतना आपको पता चल गया टेंसेस का टॉपिक डन है चलो मैं आपको एक टेबल दूंगी ये टेबल आपको दिख रहा है ये टेबल में मैंने सब लिख दी हूं कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको क्या इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो क्या मतलब कि भाई फॉर्मूला है आपको याद करना ही पड़ेगा जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो देख के समझ जाएगा बट आगे बढ़ने से पहले मेरे को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा समझाना पड़ेगा कि ये जो मेन वर्ब के बारे में मैंने आपको बताई ना मेन वर्ब्स इसके अंदर कोई भी जो एक्शन होते हैं इसके ना पांच रूप होते हैं पांच रूप जैसे कि एक एकदम छोटे से बच्चे जैसे एग्जाम्पल अगर आपको देके समझाने की मैं कोशिश करूं तो कोई भी चीज को खाना इसका बेस फॉर्म क्या होता है ईट बट आपने क्या कभी ईट की जगह एट भी लिखा हुआ देखे हो इतना ही नहीं ईट को आपने इटन होते हुए भी देखे हो इतना ही नहीं इसका एक और रूप आपने बदलते हुए देखे हो जो कि होता है ईटिंग आई एन जी फॉर्म और इतना ही नहीं भाई इसका पांचवा रूप भी है जहां पर वाली साउंड पकड़ता है ईट्स और ये सिर्फ इसके साथ नहीं दुनिया में इंग्लिश के जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं सबकी पांच फॉर्म होती है पहली फॉर्म को हम बोलते हैं वी वन ये होता है बेस फॉर्म दूसरी फॉर्म को बोलते हैं वी टू जिसको हम पास्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं तीसरा होता है अपना वी थ्री जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं फिर होता है आई एन जी वी फोर जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या इसकी वर्क की आई एन जी फॉर्म भी बोलते हैं और लास्ट होता है वी फाइव जिसको हम एस या ई एस फॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि इसके साथ अपने को बस वर्ब के साथ एसईएस लगाना है तो अभी आप बोल गए यार मैम अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं मैं पूरे दुनिया भर के हर वर्ड का पांच पांच फॉर्म याद करूं मेरे को एक फॉर्म याद होता नहीं मेरे को पांच फॉर्म कैसे याद हो गए तो यहाँ पे आपका माइंड हल्का कर दू सुनो पहले होता क्या है वर्ब्स ना अपने पास पता है दो कैटेगरी के कितने कैटेगरी के है दो पहली कैटेगरी को मैं बोलूंगी रेगुलर वर्ब्स और दूसरी कैटेगरी को बोलूंगी इरेगुलर आप बोलोगे मैम अब ये क्या है रेगुलर इरेगुलर एक क्या बराबर स्कूल आता है एक बराबर नहीं आता है रेगुलर एक रेगुलर क्या सीन है बताऊं रेगुलर वर्ब्स वो सारे वर्ब्स है जिसकी सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के आगे बस ईडी लगाना है सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के आगे बस ईडी लगाना है काम खत्म जैसे कि मैं यहां पे एक शब्द लिखती हूं फिनिश क्या खत्म करना इसकी सेकंड फॉर्म क्या है इसकी सेकंड फॉर्म है फिनिश्ड है हाँ ना बस मैंने क्या करी ईडी लगा दी इसकी थर्ड फॉर्म क्या है थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड है है हाँ ना मेन जो है वो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तो चिंदी है यार फोर्थ फॉर्म में तो बस अपने को आईएनजी लगाना है ना ईट है ईटिंग हो गया स्पीक speak है स्पीकिंग हो गया राइट है राइटिंग तो फोर्थ फॉर्म का अपन ज्यादा भाव नहीं देते क्योंकि उसके साथ बस अपने को आईएनजी लगाना है मेन कौन है मेन है वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तो मैंने आपका क्या काम बोली कि देखो भाई रेगुलर वर्ब्स वो सारे होते हैं जिसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म के आगे ईडी लगा होता है यानी आपको याद नहीं करना और अगर मैं आपको खुशखबरी दू अगर मैं आपको खुशखबरी दू कि दुनिया में जितने मेन वर्ब है हंड्रेड परसेंट मेन वर्ब में से नाइनटी सेवन परसेंट जो मेन वर्ब्स है 97 वो अपने रेगुलर वाले हैं मजा आ गया अरे भाई मतलब वर्ब्स को तो याद ही नहीं करना है ना सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म के आगे ईडी लगा दो कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड रिजेक्ट रिजेक्टेड रिजेक्टेड फिनिश्ड 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 नाइनटी सेवन परसेंट वर्ब्स क्या बोल गए मैम ठीक है बच्चे वे तीन कौन हुए बचे हुए तीन ये है यार इसमें अगर आपने पकड़ बना लिए काम खत्म तो ये बचा हुआ जो तीन परसेंट है ना जिसको अपन बोलते हैं इेगुलर इसको अपन क्या करेंगे एक ट्रिक के साथ याद करेंगे तो रेगुलर की कहानी तो खत्म हो गई क्योंकि उसके साथ बस ईडी लगाना है इेगुलर में ना अपन क्या करेंगे इसको याद करने के लिए चार कैटेगरी बनाएंगे गौर से सुनो मैं वो कैटेगरी की लिस्ट भी आपको देने वाली हूँ चार कैटेगरी बनाए गए वर्ब्स को याद करने के लिए इसके बिना टेंस का कोई कर ही नहीं सकता बच्चा देखो वो सारे वर्ब्स जिसकी देखो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को भूल जाओ क्योंकि उसके साथ आई और एस लगाना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म अगर तीनों एक दूसरे से अलग है मतलब ऑल फॉर्म्स आर डिफरेंट ऑल फॉर्म मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो उसको अपन कैटेगरी नंबर वन में डालेंगे हैशटैग नंबर वन तो वो सारे वर्ब्स जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों अलग होती है जैसे ईट इट इटन स्पीक स्पोक स्पोकन राइट देखो लिस्ट लाइ मैं क्यों टेंशन ले रहे हो यार यहां पे देखो ये सारे वर्ब्स की लिस्ट है जो कौन है जिसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म तीनों जैसे से अलग होती है आप बोल गए मैम यार ये बस थोड़ा आगे बढ़ा दो ना नहीं हो सकता नहीं हो सकता मैं नहीं बढ़ा सकती आगे आपकी बेस है अगर मैं आपको बोलूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है सेंटेंस में जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में बैठा है आपको थर्ड फॉर्म पता ही नहीं आप क्या करोगे बताओ तो इसलिए देखो पहला वर्ब है अपना जिसकी तीनों फॉर्म अलग होती कौन है गो क्योंकि इसके सेकंड फॉर्म वेंट है थर्ड फॉर्म गॉन तीन अलग है राइट रोट रिटर्न बिगेन 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 बिगन

थर्टी फोर यानी थर्टी फोर शब्द ऐसे हैं इंग्लिश में जो इनरेगुलर कैटेगरी के है जिसकी तीनों फॉर्म रीडिंग भी दे दूंगा ना काम खत्म हो जाए अभी अपन क्या करेंगे सेकंड कैटेगरी में जाएंगे जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गौर से सुनो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग रहेगी और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगा सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगा जैसे कि टीच टॉट टॉट फाइट फॉट फॉट गेट, गॉट गॉट ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट ये स्पेलिंग अलग होती है टी आता है पहले वाले में डी आता है इसमें टी आता है कैच कॉट कॉट कीप, कैप, लीव, लेफ्ट होल्ड हेल्ड हेल्ड समझा तो यहां पे अपन ने क्या करे? सेकेंड कैटेगरी याद करे जो जिसमें सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म अलग होती है फिर जाएंगे नेक्स्ट ये सब लिस्ट आपको मिल जाएगी नाज अकेडमी आप डाउनलोड कर लो उधर पे अपलोड कर दू थर्ड कैटेगरी में क्या होगा फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होगी बीच वाला अलग होगा और आप यकीन नहीं करोगे बस तो तीन ही शब्द ऐसे इंग्लिश के जो ऐसी कैटेगरी वाले तो देखो अगर मैं आपको मान ले क्वेश्चन आया एग्जाम में कि राजू कम फ्रॉम ट्यूशन ठीक है और आपको बोला मेक इट प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है क्या बोला भाई प्रेजेंट परफेक्ट में इसको कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे कि अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट है इसका रूल क्या होता है हैज लगेगा सिंगुलर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी अगर आपको ये नहीं पता है कि मेरे सेंटेंस में जो कम है इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है कम तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जिनका बेस क्लियर नहीं है तो बोलेंगे यार स्पीक की तो थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है कंप्लीट की कंप्लीटेड होती है कम की मैंने कुछ केम सुना था केम शायद केम होगा चलो मैं लिख देता हूं राजू हैज केम फ्रॉम ट्यूशन गया बेचारा बच्चा पानी में रॉन्ग हो गया क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है सिर्फ सेकंड फॉर्म केम होती है ठीक है याद रखो भाई छोटी चीज है लेकिन यही आपका बेस है सेकंड कौन है बिकम बिकेम बिकम रन रैन रन रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है अब लास्ट कैटेगरी अपनी वो रहेगी लास्ट जिसमें तीनों फॉर्म सेम है तीनों फॉर्म सेम है बताओ आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी होता है मेरे को तो अभी पता चला यस yes, ऐसा भी है भाई तो कॉस्ट 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 कुछ कॉस्टेड नहीं है कट 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 कटेड शब्द है ही नहीं इंग्लिश में तो बच्चों को ये लगता है ना भाई कंप्लीट complete का कंप्लीटेड तो कट cut का कटेड होगा ना नहीं नहीं, नहीं भाई कट की तीनों फॉर्म कट होती है हिट द कार वॉज हिटेड बाय द ट्रक हिटेड शब्द है ही नहीं भाई हिट की तीनों फॉर्म हिट होती है ये इेगुलर की कैटेगरी में आता है लेट 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 पुट, पुटेड नहीं पुट की तीनों फॉर्म पुट होती है अरे यार, अभी समझ गए ना मत बोलना वरना फिर और हट करके चले जाएगी बोलेगी इंग्लिश सीख ले पहले फिर आऊंगी तेरे पास ठीक <laughs> है तो हर्ट कभी हर्टेड नहीं होता हर्ट की तीनों फॉर्म हर्ट होती है याद रखना क्विट क्विटेड क्विटेड नहीं होता है क्विट क्विट ही होता है ठीक है चलो भाई इतना क्लियर हो गया अभी मैं को सुकून में कि आप लोग को बेन बेस करा दूं अभी देखो अपने को ना ये टेबल के पास जाना है अब मैं जब भी बोलूंगी आपको जो भी कैटेगरी डालनी है वो आपको डालना होगा ठीक है तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस ये अगर ग्रामर का टॉपिक आया है ना तो आपको क्या करना होगा पता है मेन वर्ब और से सुनो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर रहा तो मेन वर्ब अपनी आई ई एस फॉर्म में रहेगा ई एस -E जो फॉर्म होती है जैसे एग्जांपल मैं पे दे रही हूं ही अ कार हेल्पिंग वर्ब गायब है है ठीक तो ड्राइव drive है ड्राइव हो जाएगा लेकिन कब जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी हर बार नहीं अब बोलोगे यार ये सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट कुछ नहीं यार कोई अब काम क्या खुद ही हो रहा है क्या मैं बोल रही हूं कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का काम हो रहा है बट कौन कर रहा है आप कर रहे हो ना तो आप सब्जेक्ट हो मैं पढ़ा रही हूं तो पढ़ा रही हूं कौन पढ़ा मैं पढ़ा रही हूं तो पढ़ाने का काम जो करता है उसको एक ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं यानी सिंगुलर प्लूरल तो कभी भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जो अकेला इंसान वो काम कर रहा है तो वो काम के साथ हम एस लगाते हैं ही ड्राइव्स ही ही प्लेज समझा सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वो अपनी कौन सी फॉर्म पकड़ेगा सवली और प्लुरल रहा जैसे कि यू एंड मी आप और मैं एक से ज्यादा हो गए ना पढ़ रहे हैं मैं बोलूंगी यू एंड मी आर स्टडिंग या तो स्टडी अगर सॉरी सिंपल पर

और मेन वर्ब अपना कौन सी फॉर्म में होगा आई यानी फोर्थ फॉर्म में बैठा होगा तो यही सेंटेंस को अगर मैं अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या बनेगा ये ही अब ही सिंगुलर है तो मैं क्या बोली तीनों में में ये तीन से चूज करना है ही इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है तो ही इज और वह अपनी आई एन फॉर्म में रहेगा ड्राइविंग अ कार एक ही सेंटेंस को अपन पूरे के पूरे इसकी घड़ी बदलेगे सेंटेंस क्या है वो कार चलाता है अब इसी को अपन बारह टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कार चलाता है ही ड्राइव अ कार कार चला रहा है ही इज ड्राइविंग अ कार पूरे बारह टेंस में पर, पर, कन्वर्ट करेंगे इसी सेंटेंस को ताकि ना आपको या अलग अलग सेंटेंस लेके झमेला करने का ही नहीं एक ही सेंटेंस की घड़ी बदल हर घड़ी बदल रही है इस सेंटेंस में धूप है जिंदगी तो देखो अब अपना है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका क्या रूल है हेल्पिंग अपने कौन रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे प्लूरल है तो हैव लगाएंगे मेन वर्ब जो होगा अपनी थर्ड फॉर्म में होगा तो यहां पे ही सिंगुलर है तो मैंने हैज आगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ड्राइव ड्रोव ड्राइवन तो ये ड्राइवन वर्ड को मेरे को लेके जाना पड़ेगा और इधर पे लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका यही रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इतना क्लियर हो गया फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें क्या होता है सिंगुलर है तो हैज बीन बीन लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में और प्लूरल है तो हैव आ जाएगा पर अपने के सारे सेंटेंस में ये लड़का एक ही है ना तो अपन सिंगुलर ले रहे हैं अगर यहाँ पे कोई प्लूरल होता ना तो हम दूसरा लेते लेते और ये क्या है वह अपनी आई फॉर्म में रहेगा तो ये क्या बन जाएगा ही हैज बीन ड्राइविंग का ही हैज बिन हैज बिन रहा और वी फॉर्म में ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है हर टेंस का अलग फॉर्मूला है एक भी फॉर्मूला एक दूसरे से सेम नहीं है खुद सब टेंस की अपनी खुद की अलग पहचान है ठीक है तो ये टेबल ना आपका बोलते लास्ट मिनट रिविजन है ये एक टेबल से पूरा पढ़ू अभी कोई किताब लेके नहीं बैठनी है आपको अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा वह अपनी सेकेंड फॉर्म में होगा बस बात खत्म वह अपनी सेकेंड फॉर्म में होगा बात खत्म ठीक है यानी कि मैं बोल सकती हूँ वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है जिसका मैंने नाम बताया नाम ही पास्ट पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है सिंपल पास्ट यानी कि मान लो आपने एक सेंटेंस जहां पे लिखा है सो तो आपको कुछ करना ही नहीं वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखी ना वो सिंपल पास्ट See, तो है सी सो सीन देखना सीन तो सो सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट ड्राइव ड्रोव देखो ड्रोव सेकेंड फॉर्म होती है ना तो यहाँ पे ड्रोव आया ही एट अ मैंगो एट आ गया ठीक है बीच वाला फौर्म. तो यहाँ पे क्या होगा होगा में में रहेगी कौन आ इधर पे ठीक है कौन हो गए सिंगुलर रहा तो वॉस लगाएंगे प्लुरल रहा तो वर लगाएंगे वह अब अपनी आईएनजी फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा ही सिंगुलर है वॉस ड्राइविंग कार खत्म तो याद रख लो कोई भी बात आपको बोलनी जो पहले हो रही थी पास्ट में तो वाज़ लगा के बोला करो अभी के लिए बोलना है तो इज एम आर में से चूज करो ठीक है जैसे आपको बोलना है कि मैं अभी पढ़ रहा हूं तो आई एम स्टडिंग आप लेकिन ऐसा बोलना नहीं पढ़ रहा था पास्ट की बात तो क्या बोलोगे आई वॉज स्टडिंग ठीक है तो यही फर्क है सिंग प्रेजेंट टेंस के लिए इज एम आर पास्ट टेंस के लिए वॉज वर ओके अब परफेक्ट एक्शन है कोई भी तो कौन रहेगा हेड अब हेड का कोई झमेला नहीं है हेड मस्त मौला इंसान है बोलता मेरे को टेंशन नहीं है कोई सिंगल है उसके साथ भी मैं जाऊंगा कोई प्लूरल है उसके साथ भी मैं जाऊंगा झमेला नहीं है उसको ठीक है इसको नाटक है ना हैस को जो सिंगल है उसके साथ ही मैं जाऊंगा हैफ बोलता है जो प्लूरल है उसके जा, साथ जाके अड़ाऊंगा <laughs> लेकिन हेड बोलता है भाई सिंगुलर हो या प्लूरल हो मैं तो सबके साथ जाऊंगा तो यहाँ पे वही खेल यार जो भी हो सबके साथ हेड लगा देंगे और वो अपना होगा पास परफेक्ट टेंस तो ही हैड अ कार दे देड ड्राइव कार शी हैड ही हैड ही आई वी यू सबके साथ हैड आ जाएगा और फिर पास परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है हैड बीन और आई एन जी फॉर्म सेम आ आड बीन सबके साथ जाएगा फिर आता है सिंपल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में क्या होगा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही विल ड्राइव अ कार फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा विल के साथ बी होगा शेल को भूल जाओ बी रहेगा और वर्ब की आई एन फॉर्म तो ही विल बी तो देख लेना विल बी रहा तो अपना कौन रहने वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट गौर से देख लो शेल को भूल जाओ फिलहाल के लिए विल रहेगा हैव लगा रहेगा और वह अपनी थर्ड फॉर्म में रहेगा तो ही विल हैव द्राइव अ कार और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां पे विल हैव बीन लगा रहा होगा और वब की आई एन जी फॉर्म रहेगी तो ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार तो ये है अपना क्या ये है अपना भाई ग्रामर टेंसेस जो है उसका गेम ठीक है तो जो रूल जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है फॉर्मूले में क्या लिखा है सिर्फ दो चीजें लिखी है हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की फॉर्म है तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोली कि अगर आप समझ गए मेरे को कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आप कर लोगे अभी आप बोलोगे चलो ठीक है इतना क्लियर हो गया अब अपने एक काम करते पिछले साल कुछ क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करते हैं चार पांच क्वेश्चन फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे चलो ये वाला क्वेश्चन आया है चलो जल्दी बताओ ही एसक्यूट अ क्वाइट स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिर्फ फॉर्मूला याद करो कहानी खत्म हो जाएगी तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंट्री में हमने क्या पढ़े थे सिंगुलर है ना सिंगुलर के साथ हैज बीन और वर्ब अपनी आई फॉर्म में रहेगा है ना यही पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब ये रहेगा मेन वर्ब ये रहेगा चलो आ जाओ तो ये अपना है मेन वर्ब सॉरी सब्जेक्ट ही इसके साथ मैंने लगा दी हैज बीन मेन वर्ब मेरा आई फॉर्म में तो ये मेन वर्ब है एक्सक्यूड क्या हो जाएगा एक्सक्यूडिंग बस कहानी खत्म आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिए मेन वर्ब को चेंज कर दिए बस बाकी का पूरा सेम कॉपी पेस्ट कर दो इतना ही करना होता है टेंसेस में समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है हेल्पिंग वर्ब वर्ब मेन में ही छेड़छाड़ करनी है बाकी सेंटेंस कॉपी पेस्ट रहेगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुल्तानी मिट्टी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम अ प्लेस इन पाकिस्तान यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़े थे सिंगुलर रहा तो हैज आएगा और मेन वर्ब अपनी कौन सी फॉर्म में रहेगा थर्ड फॉर्म में है ना चलो तो मुल्तानी मिट्टी की बात हो रही है मुल्तानी मिट्टी एक ही सिंगुलर है तो यहां पे मैं हैज लगाने वाली हूं मुल्तानी मिट्टी पहले लिखूंगी क्योंकि अपने इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर यही होता है हा? सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है इसलिए सब्जेक्ट को पहले लिखेगा सिंगुलर है तो मैंने लगाई हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ये देखो ये वर्ब है टेक टेक टुक टेकन तो चलो आ जाओ कर दी मैंने इसको टेकन हो गया हैस लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी बस अब आगे का सेम कॉपी पेस्ट कर दो इट्स और ये क्या है ये अपना ऑब्जेक्ट होता है कितना इजी है ना समझे क्या तो ऐसा सिस्टम से करते हैं ना आप लोग स्टेप बाय स्टेप तो चीजें आसान हो जाती है अब मैं सारे क्वेश्चन ने सॉल्व करवाऊंगी आपको क्योंकि अपने को बहुत सारे uh, मतलब क्वेश्चंस करने हैं ना मैं भी दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व करवाती हूँ hmm. यहां पे अपने को क्या बोल रहा है कि ना भाई देख इस सेंटेंस का टेंस क्या है वो बता दे सेंटेंस का टेंस बताना है बस चेंज नहीं करना है द फोर हेड्स वर लिंगरिंग एट द डिनर टेबल हेल्पिंग और मेन वब देखो हेल्पिंग वब क्या है वर और मेन वब है आई एन जी तो ये कहां पढ़े थे अपन ने कौन सा टेंस ऐसा है जहां पे वर और उसकी मेन वर्ब आई एन जी फॉर्म होती है ये कौन से फॉर्मूले में लगा हुआ था टेंस में बिल्कुल सही जवाब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यस तो इसका आंसर है पास कंटिन्यूस टेंस तो बस यही पहचानना है ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन बस एक सॉल्व करवा देती हूं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाएंगे ओके लास्ट देखो यू विल फील द जॉय ऑफ हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड इसको अपने को क्या बोल रहा है यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या था प्रेजेंट परफेक्ट का सिंगुलर रहा तो हैज लगाओ प्लूरल रहा तो हैव लगाओ और दोनों में मेन वर्ब जो होगा अपनी थर्ड फॉर्म में होगा थर्ड फॉर्म में ठीक है तो चलो ये अपना सब्जेक्ट है यू विल तो हटाना पड़ेगा ना क्योंकि विल तो फ्यूचर की बात करता है इसको हटा के मैं क्या लगाऊंगी यू हैव यू हैव यू को अपन प्लूरल मान के चलते हैं तो इसलिए यू वर यू हैव ऐसा जाता है फील फील को उसके थर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा फील की थर्ड फॉर्म क्या होती है जल्दी बता दो यस yes, फील की थर्ड फॉर्म होती है फेल्ट चलो हो गया अपना काम हेल्पिंग वर्ब लगा दिए मेन वर्ब का काम कर दिए बाकी पूरा कॉपी पेस्ट द जॉय ऑफ हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड समझ गया सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चों को इधर पे जो पढ़ने आए थे दो दिन पहले इंग्लिश के लिए हा हो गया ना यू हैव फेल्ड द जॉय ऑफ हैविंग इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है अगर जो बच्चे आज रात भर बैठ के पढ़ाई करने का सोच रहे हैं कि भाई आप दो दिन में फोड़ने वाला हूं तो ये आप पीडीएफ का क्या कर सकते हो इसके अंदर आपके सारे पी क्यू है 2008 से लेके आज तक यानी 2023 तक के सारे क्वेश्चंस

टेंसेस का टॉपिक क्या आपकी इजाजत है मैं नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक की तरफ बढ़ू जल्दी बता दो क्या बात है समझ में आ गया ग्रेट तो टेंसेस इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट verbs. इसलिए मैंने वो दिल लगाई थी आग जलता हुआ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब चलो मैं अभी दूसरा ग्रामर टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं अभी ये tenses ही ना जड़ होता है अभी यही टेंसेस के ना बहुत सारी चीज आपको आगे ग्रामर में काम आने वाली है अभी फटाफट अपन बढ़ाते हैं आगे गेम चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने आज के सेशन का सारे के सारे बच्चे हेडलाइन डाल दो मॉडल ऑक्सिलरी कम ऑन पेन पेपर में टेंसेस की कहानी खत्म अब लिख दो मॉडल ऑक्सिलरी सेकंड ग्रामर टॉपिक ऑफ द डे सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक like तो बनता है यार चलो अपने आज के सेशन का नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है मदद करना हेल्प करना किसकी हेल्प करना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या होता है मैंने बताई थी ना आपको सब्जेक्ट की मदद करना क्या चीज में जैसे मैं बोलूंगी मैंने मदद करी आप बोलोगे किसकी मदद की है मैं बोलूंगी स्टूडेंट की क्या 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 मदद क्या की है आपने अरे भाई लोगों ग्रामर पढ़ाई ऐसा तो मैं क्या बोल रही हूं इसका मॉडल ऑफरी का मतलब क्या होता है हेल्प करना किसकी हेल्प करना सब्जेक्ट की क्या बताने में क्या करने में उसका मूड बताने में मूड तो सब्जेक्ट का क्या मूड मूड को ही बोलते हैं मॉडल और ऑक्सिलरी मतलब हेल्प तो यहाँ पे ना इस ग्रामर टॉपिक में सब्जेक्ट का यानी जो इंसान काम कर रहा है एक्शन कर रहा है उसका क्या मूड है वो हम बता सकते हैं अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके और वो कौन से शब्द है फैशन का है ये जलवा तो ये है मॉडल ऑक्सिलरी मूड मॉडल देखो सारे के सारे मॉडल आ गए अलग अलग अपना लहंगा और ले लेके <laughs> तो सबसे पहला मॉडल है अपना कैन तो अपने को देखना पड़ेगा भाई कि ये जो कैन है ये कौन सा मूड शो करता है दूसरा कौन है मे ये कौन सा मूड शो करता है बस इतना याद करना और कुछ नहीं मॉडल ऑक्सिलरी क्या करते हैं सब्जेक्ट का मूड शो करते हैं। अब मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी है कौन कौन है मॉडल ये लोग देखो ना आ गए तो कैन है मे है नीड ये सब कौन है सब मॉडल ऑक्सिलरी है। कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, मे नीड कुड मस्ट कौन सा मूड शो करते हैं तो अपने को बस ये देखना है कैन जो है ये मूड शो करता है किसी की काबिलियत बताने में अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई मैं ये चीज की काबिल हूं मैं तैर सकती हूँ काबिलियत है तो काबिलियत इतना बड़ा वर्ड लगाने से अच्छा मैं ये बोल सकती हूँ आई कैन स्विम इतना इतने से शब्दों में इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने अपनी काबिलियत बता दी तो यस आप ऐसा भी बोल सकते हो आई है एबिलिटी दैट आई कैन स्विम ऐसा भी बोल सकते हो बट ग्रामर में समझ रहे हो ऐसा खेल तो बस आपको क्या करना है <laughs> आपको क्या करना है कौन सा मॉडल कौन सा मूड शो करता है इतना पता लगाना है क्योंकि आपके एग्जाम में यही आता है तो एक काम करते पहले देख लेते हैं कि कौन कौन मॉडल्स है तो पहला है कैन दूसरा है कुड तीसरा है मे चौथा है माइट मस्ट मस्ट नॉट ऑट टू शेल शुड विल वुड अब मैंने आपके सामने मैं तो बोल रू भाई आपको क्विक रिविजन करवा रही हूं तो मैं आपके सामने बहुत दुनिया भर की लेके आऊंगी मॉडल ऑफ दिवीजन है ठीक है एग्जाम के पहले आपको यही टेबल पढ़ना रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना आप बोलोगे मैम इतना सही था यार हमारे तो टीचर ने खाली फुकट फोकट का पहाड़ बना रखे थे बिल्कुल एकदम आसान है देखो आपके एग्जाम में क्या आता है पता है ये सेंटेंस में जो मॉडल ऑक्सिलरी दिया गया है उसको हटाओ और वो वाला मॉडल ऑक्सिलरी लगाओ जो कंपल्जन शो करता है तो आपको देखना है इस टेबल में कौन सा ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी जो कंपल्जन शो करता है नहीं भाई ये तो एबिलिटी है पास्ट एबिलिटी है पॉसिबिलिटी नहीं भाई ये तो सर्टनटी नहीं नहीं अरे भाई कंपल्जन कंपल्जन तो मस्ट शो करता है तो आपको अपने सेंटेंस में मस्ट लगाना है अभी मैं सॉल्व करवाऊंगी ये टेबल देख लो यार फटाफट कैन क्या शो करता है एबिलिटी कभी परमिशन भी जैसे मैं बोल हूँ आप बोलते हैं ना कैन आई कम इन मैम वगैरह वगैरह कुड क्या शो करता है पास्ट एबिलिटी मतलब कोई ऐसी काबिलियत जो आपके पास पहले थी अगर मैं बोलूंगी आई कुड स्विम आई कुड स्विम तो मतलब पहले तैर सकती थी अब नहीं अब मान लो अभी जैसे कि मोटा हो गया तो मोटे हो गया तो अब नहीं तैर पाते ऐसा कुछ भी तो कोई भी आपकी एबिलिटी जो आप पहले करते थे कुड लगा के बोले में क्या पॉसिबिलिटी यानी संभावना आज ग्रामर की पूरी की पूरी टेंशन खत्म होने की पॉसिबिलिटी है यस बिल्कुल सो पॉसिबिलिटी के लिए मैं ऐसा बोल सकते कि भाई आज बारिश होने की संभावना है तो कैसे इट मे रेन टूडे ऐसा कुछ भी और भी है बट आपके एग्जाम के लिए यही याद रखो माइट क्या शो करता है रिमोट पॉसिबिलिटी कोई भी संभावना होने की चांस अगर बहुत ही कम हो तो उसको क्या बोलते हैं वीक पॉसिबिलिटी जिसके लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जैसे आप बोलना चाहते हो कि यार मैं ना शायद एग्जाम में लेट हो सकता हूं बट ये होने की संभावना बहुत कम है बस आप ऐसा अंदाजा छोटा सा तो बोल सकते आई माइट गेट लेट टूमोरो या इन द एग्जाम ऐसा जो भी तो मे और माइट का फर्क समझ में आ गया फिर आता है विल जो कि सर्टेंटी शो करते तो विल अपना हेल्पिंग वर्ब भी है और मोरलॉग में सर्टन मतलब ये चीज होगी फ्यूचर में हम फ्यूचर का अंदाजा लगा रहे होते वुड और यूज टू पास हैबिट कोई भी ऐसा एक्शन जो आप पास्ट में किया करते थे जैसे कि आप बोलोगे मैं तो बचपन में डोरेमोन देखा करता था तो आप कैसे बोलोगे आई यूज टू वॉच डोरेमोन इन माई चाइल्डहूड आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट ठीक है ऐसा शुड के लिए एडवाइस रहेगा मस्ट क्ले कंपलशन ऑब्लिगेशन नीड के लिए नेसेसिटी मस्ट नॉट के लिए प्रोहिबिशन मैं आपको ना एक मिनट दे रही हूं ये टेबल को बस आप लोग ओवरव्यू करो फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो मेरे को आप आंसर देना इसी टेबल के रेफरेंस में एक काम करो तो सर स्क्रीनशॉट ले लो चलो अभी ये टॉपिक हो जाएगा उसके बाद हम पांच मिनट का ब्रेक लेंगे तो जो भी बच्चों के दिल में हलचल मच रही होगी यार मैम मैं उठने का मन कर रहा है पानी पीना है तो पानी तो पी सकते हो बैठे बैठे भी पी सकते हो बट ब्रेक में देने वाली पांच मिनट के बाद ये टॉपिक के बाद आ बस थोड़ा और थोड़ा और पुश पुश योर सेल्फ चलो तो यही था अपना मॉडल ऑक्सिलरी अब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना कि हम समझ तो लिए बट क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये रहे अपने मॉडल ऑक्सिलरी के क्वेश्चन मैं आपको सिखाती हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको कैसे सॉल्व करना रहेगा देखो 2008 में जब आप चन्नू मन्नू से बच्चे थे तब अपने महाराष्ट्र बोर्ड में ये वाला एक क्वेश्चन आया था वी वुड ट्राई टू गॉज फादर्स मूड फ्रॉम द मूव देखो डरना नहीं है, ये ऐसे टफ टफ वर्ड सुन के अपने को मतलब है मॉडल ऑक्जलरी से दुनिया का सेंटेंस जो है भाड़ में अब इसने क्या बोला यूज यूस टू यूज टू लगाओ तो अपन क्या करेंगे मैंने क्या बोली थी एक एरिया का एक ही राजा होता है अगर दूसरे राजा को आना है तो पहले वाले राजा को हटाना पड़ेगा एक एरिया में दो राजा नहीं हो सकते एक देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है अगर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को आना है तो पहले वाले को जाना पड़ेगा तो वैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी लोग बोले यूज टू लगाओ बट अपने सेंटेंस में एक पहले से मॉडल ऑक्सिलरी बैठा हुआ है तो अगर अपने को इसको अपने सेंटेंस में डालना है तो पहले वाले को हटा के डालेंगे ठीक है तो वुड को हटा देंगे और उसकी जगह यूज टू लगा देंगे यार इतना चिंदी क्वेश्चन वी यूज टू ट्राई टू गोज और बाकी का पूरा सेम है देखे कितना आसान है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन मेक द नेसेसरी डिसीजन टू प्रोटेक्ट इट राइट यूजिंग सेंटेंस मॉडल ऑफ जी शोइंग कंपल्जन देखो यह आ गया तो क्या बोल रहा है वो वाला मॉडल ऑफ लगाओ जो कंपल्स का मूड शो करता है कौन शो करता है कंपल्शन टेबल में कौन था मस्ट यस तो इतना पता चल गया कि भाई मस्ट लगाना है लेकिन पहले से एक मॉडल ऑफ जदि बैठे तो ये बिचारे को हटा देगा और इसके बदले में मस्ट लगा देगी भाई इतना चिंदी टेबल दे दी ना आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं भाई सब लेके आयु बस परोस दी हूँ आप उठाओ और लो ठीक है तो रास्ता मैंने ओपन कर मतलब दरवाजा मैंने ओपन रही हूं लेकिन वो दरवाजे के अंदर चल के आपको ही जाना है ये वो वाली कहानी है ठीक है तो मैंने तो दे दी भाई आपको सब चीज ला ला के जब तक रीड आउट नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं इतनी मेहनत करके तो इसका आंसर क्या बनेगा वी मस्ट मेक द नेसेसरी अब नेक्स्ट देखो क्या है मजा आ रहा है एकदम चिंदी बना ना में डल रहे थे बेचारे दो एक हफ्ते से मैसेज आ रहा है तो, करना पड़ेगा।, ग्रामर का तो गेम करना पड़ेगा चलो आ जाओ ताज विल बी वॉश क्लीन विथ सॉल्ट फ्री वॉटर मॉडल शोइंग ऑब्लीगेशन ऑब्लीगेशन कौन शो करता है आप हाँ एक और चीज आपने कहीं में शुड भी देखे होंगे बट मैं बोलूंगी आप मस्ट को ही चूज करना ऑब्लीगेशन के लिए तो देखो द ताज विल है ना विल हटा देंगे और उसकी जगह क्या डाल देंगे मस्ट कंपल और ऑब्लिगेशन दोनों के लिए मस्ट द ताज मस्ट बी लगाएगा समझा अब देखो यहाँ पे फिर से कंपलजन है तो उसको अपन स्किप करते कोई दूसरा बोला है तो बताओ यहाँ पे अपन आ जाएगा यूज टू है कम, देखो कम्पल्शन भाई साहब हर साल कंपल्सन ही आ रहा है तो याद रख लो देख लो अभी मैराथन देख के जा रहे हो कंपल्सन आया तो मस्ट लगाना टू ऑब्लिगेशन हाँ, पे देखो एडवाइस आया 2016 में क्या क्वेश्चन आया था अ सिटी मस्ट प्रोवाइड इक्विटी एंड ऑल्सो बी सस्टेनेबल राइट यूजिंग अनदर मॉडल ऑफ शोइंग शुग एडवाइस आ है भाई क्या इतना चिंधी क्वेश्चन पूछ रहे हो हाँ नहीं नहीं, नहीं समझ बोलो यार इस बार सिंधी क्वेश्चन नहीं पूछना एडवाइस <laughs> एडवाइस कौन शो करता है जल्दी बताओ एकदम फटाफट आंसर दो शुड एडवाइस आए तो क्या लगाएगा शुड जैसे देते हैं ना सबको राय देने की तो वो तो होती है कि भाई तेरे को ये करना चाहिए तेरे को वो करना चाहिए राय देते एडवाइस देते तो क्या बोलते यू शुड डू दिस यू शुड डू डेट यू शुड स्पीक इंग्लिश यू शुड प्रैक्टिस डेली यू शुड रिवाइज तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई लेकिन बेचारे पहले वाले को हटाना पड़ेगा तो मस्त आप जाओ अभी आप की जगह ले चुका है कौन शुड तो पे हटा के शूट लगा दी सिटी शूट प्रोवाइड बस इतना ही और हर चीज में ऐसी हो हाँ चलो एक लास्ट सोल्व ना इसलिए तो इसका बता दो देखो क्वेश्चन आप लोग हम बढ़ते अपने टॉपिक द अर्थ कुटैंड सॉरी टू लेख टाइम द करेंट पॉपुलेशन सर्टनटी डर जाओगे क्या सर्टनटी वर्ड देख के बस इतना सा सर्टनटी वर्ड देख के डर जाओगे एग्जाम में नहीं भाई नाई यार्टंटी कुछ नहीं है विल लगाना है ठीक है तो वही टेबल के बे अच्छा अपने को आंसर कहाँ से पता चल रहे वो टेबल के बेस पे पता चल रहा है ना यस तो ये मैं वही बोल रही थी आपको कल भी ग्रामर इज नॉट स्ट स्टोरी जो भी हम ये सॉल्व कर पा रहे है ना कुछ ना कुछ रिफरेंस के बेस पे सोल्व कर पा रहे हैं तो मैंने जो आपको पीला टेबल बताई थी उसका स्क्रीनशॉट दिलवाई ना वही के बेस पे अपने ये सब कर पर अपनी तो सर्टनटी आया तो भाई विल लगाएंगे लेकिन अपने सेंटेंस में कोई पहले से अगर मॉडल ऑग दे तो बेचारे को हटा देंगे और उसके बदले में उसको लगाएंगे द अर्थ विल स्टैंड समझ गया चलो भाई अपना हो गया खत्म मॉडल ऑग्सलरी चंगा सी दो टॉपिक खत्म कर दिए एकदम अगर सॉल्व कर पा रहे थे क्वेश्चन

क्लियर है चंगा सी कम अब आते हैं ग्रामर के टॉपिक नंबर थ्री कौन सा ग्रामर का टॉपिक थ्री पकड़े बताओ कौन सा पढ़ना चाहते हो कौन सा ग्रामर टॉपिक पढ़ना चाहते अपने स्टूडेंट एक्टिव पैसिव चेंज द वॉइस करा दो ना यार मैम हर साल क्वेश्चन आता है फंस जाते हैं अपन चलो आ गई कराती हूँ आपको आपने पुकारा और आ गया आपके सामने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ग्रामर का टॉपिक चलो भाई इसको फोड़ते नहीं एक मिनट माफी चाहती हूँ सॉरी सॉरी मैंने बोली थी दो आ, ग्रामर टॉपिक के बाद हम पांच मिनट का ब्रेक लेंगे तो पांच मिनट के लिए थोड़ा सा माइंड को ऐसा बैठ जाओ शांति से और जो भी आपने नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज कर सकते हो ठीक है पांच मिनट वीडियो स्टॉप रहेगी देन हम इसको स्टार्ट करेंगे यस ब्रेक टाइम कम ऑन एवरीवन थोड़ा सा ब्रेक ले लो क्योंकि अपने को लंबी छलांग मारनी है मैराथन में ऐसे ही होता है ना धीरे 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 स्टॉप भागे के भागे भा स्टॉप लंबी छलांग तक अपन ले पाए दूर तक जा पाए। यस लेट्स ब्रेक अभी कितना बज रहा है लेकिन कोई भागना नहीं है मैं पहले बोल रही देखो सात बज रहे सात बीस को सारे के सारे बच्चे आ जाना ब्रेक टाइम चल रहा है आप लोग चलो जो भी करना है आपको वन नंबर जाना है टू नंबर जाना है या आपको पानी पीना है खाना खाना है थोड़ा सा चलना है जो करना है कर लो पांच मिनट है यस yes. लेकिन प्लीज आना है भाग के पता चला हो गया फिर आपका ब्रेक दो घंटे में कन्वर्ट हो गया ग्रामर का मैराथन चल रहा है एंड पांच हजार से ज्यादा बच्चे हमको लाइव देख रहे हैं अभी ब्रेक चल रहा है इसलिए थोड़े बच्चे लेफ्ट हुए बट पांच हजार से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं एंड थर्टी एट थाउजेंड बार हमारी वीडियो क्लिक की गई है सो क्या बात है बाकी सारे बच्चे भी आप कहाँ हो जल्दी से आ जाओ तो एंडेड खत्म हो गया हमारा ब्रेक का टाइम सात बज के बीस मिनट हो चुके हैं एंड यस अस बिगेन सब लोग आ गए जल्दी जल्दी आ जाओ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को मैं पढ़ाने जा रही हूं एकदम सिंपल भाषा में एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं चलो आ जाओ जल्दी आओ आ रहे आ रहे बच्चे चले गए थे कुछ 500 600 बच्चे कम ऑन ज्वाइन अगेन सात बज के बीस मिनट हो चुके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये ग्रामर का मतलब क्या होता है देखो पहले मैं आपको थोड़ा थेरोटिकल समझाती हूँ फिर जरा ना एक बाबू का एग्जांपल ले गए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जाम्पल ले गए और फिर आप, आपको अच्छे से मैं समझाऊंगी देखो थेरोटिकली अगर मैं बोलना चाहूँ तो इनको भी हम जो सेंटेंस लिखते हैं कोई भी वाक्य बनाते हैं ना इंग्लिश का तो उसको एक स्ट्रक्चर में फॉलो करते हुए बनाते हैं जैसे कि एक्टिव वॉइस को हम क्या बोलते हैं जब हम सब्जेक्ट जो हमारा होता है यानी जो इंसान काम कर रहा है उसको पहले रखते हैं। यानी जनरल इंग्लिश का जो रूल है सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद वर्ब रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है तो अपना हो गया एक्टिव वॉइस लेकिन अगर बोलने वाले इंसान के लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो वो क्या करेगा सब्जेक्ट को एंड में डालेगा पहले ऑब्जेक्ट बोलेगा और बीच में वर्ब रखेगा आप बोलोगे मैम यार ये फॉर्मूला समझा नहीं थोड़ा सा समझाओ ना इजी भाषा में आ जाओ बाबू सोना जादू टोना से एग्जाम्पल समझते हैं तो अपने पास एक एग्जाम्पल है अगर ऐसा इमेजिन करो आपको एक इंसान है चलो आपको एग्जाम्पल नहीं लेती हूँ कोई एक एक, एक स्टूडेंट है ठीक है यहाँ पे अपने को तो पता ही है भाई पचास से साठ प्रतिशत बच्चे हम्म hmm, बाबू शोना जादू टोना <laughs> तो यहाँ पे मान लो अभी अभी रिसेंटली रिसेंटली वैसे वेलेंटाइन डे गया है, है ना वेलेंटाइन वीक गया है पता नहीं क्या क्या एक्सचेंज किए हो गिफ्ट टेडी बियर ये डे वो डे तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है उसको ना एक चमचमाता हुआ गिफ्ट मिला है और वो किसने दिया उसके बाबू ने दिया ठीक है उसके बाबू ने उसको क्या किया है चमचमाता हुआ गिफ्ट दिया है और उस गिफ्ट के अंदर क्या निकला वॉच निकली वॉच घड़ी तो वो अब पटेली मारने के लिए अपने सब सारे फ्रेंड को जाके बोल रहा है अगर उस बच्चे के लिए कौन इम्पोर्टेंट है जिसने उसको गिफ्ट दिया यानी उसका बाबू वो इंपॉर्टेंट है तो अपने फ्रेंड्स को कैसे जाके बोलेगा माई बाबू गेव मी दिस वॉच यानी सेंटेंस के शुरुआत करते हुए वो अपना सब्जेक्ट को रखेगा क्योंकि देने का काम किसने किया है बाबू ने क्या दिया है घड़ी है न देने का काम गिफ्ट देने का काम तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की सहायता से उसने सेंटेंस बनाया क्लियर कट पता चला उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट यानी जिसने वो काम किया है देने का अब मान लो एक दूसरा लालची बच्चा है ठीक है एक दूसरा लालची बच्चा है और उसको कोई बाबू सोना जादू टोना से उसको मतलब नहीं है उसको बस गिफ्ट जमा करने थे बहुत चालू निकला वो इंस्टाग्राम पे सबको मैसेज किया पटा लिया सबको और ना वैलेंटाइन डे में झोला भर के गिफ्ट लिया और निकल लिया ठीक है तो वो क्या है वो अपने जब दोस्तों को जाके बोलेगा ना तो क्या बोलेगा बाबू लोग को पहले नहीं रखेगा क्योंकि वो तो लालची है ना उसके बाबू लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था गिफ्ट तो क्या बोलेगा क्या गिफ्ट मिला उसको दिस वॉच तो अपने सेंटेंस की शुरुआत वो किससे करेगा दिस वॉच वॉज गिवन और तो बाबू तो ऐसे भी टाइम पास कर रहा था तो बाबू को डाल दिया एंड में बाबू को डाल दिया एंड में देख लो बच के रहना ऐसे लोगों से <laughs> तो क्या बोलेगा भाई ये घड़ी मेरे को मेरे बाबू द्वारा दी गई है ये घड़ी देख ये घड़ी देख तो घड़ी घड़ी ज्यादा करेगा वो तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पे ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है कोई बंदा तो वो पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल करता है यानी कि ऑब्जेक्ट पहले रहेगा पहले क्या रहेगा पहले ऑब्जेक्ट रहेगा फिर वर्ब रहेगा और फिर सब्जेक्ट रहेगा राइट यही है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे ये है अपना एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को पहले रख के अपना सेंटेंस शुरू करेंगे और ये हो जाएगा अपना पैसिव वॉइस समझ में आया बेसिक रूल कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है ठीक है ठीक है भाई मैम इतना समझ में तो आ गया ये क्या सीन है और इसे सीख भी मिल गई भाई बच के रहना है उनको <laughs> आजकल लालची बाबू बहुत घूम रहे हैं याद रखो <laughs> पता भी नहीं चलेगा कि आप जिसकी यादों में खोए हो वो आपके अलावा कितनों के साथ चल रहा है ओके तो याद रखना है ये सब चीज ये देख लो गिफ्ट इम्पोर्टेंट है तो पैसिव वॉइस मतलब एग्जाम्पल दे के समझा यू, अब ये तो दुनिया भर के हज़ारों हजारों एग्जाम्पल में अप्लाई हो सकता है तो अब ये अपने को क्या करना है अपने को सीखना है कि कैसे हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे क्यों क्योंकि एक सेंटेंस तो भाई अलग अलग टेंस में आ सकता है जरूरी थोड़ी है कि वो एक ही टेंस में रहेगा अपने पास बारह अलग अलग टेंसेस है तो उसमें से अगर कोई एक सेंटेंस आया उसको पैसिव में कन्वर्ट करना तो उसका रूल मेरे को पता होना चाहिए तो यस मैं सिखाती हूं आपको मेरे पास एक टेबल है आप लोगों के लिए ठीक है बोली ना सब काम करके लाई आप लोग बस लो ये देखो ये मेरे पास टेबल है ये टेबल का स्क्रीन लो अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बैठा है और वो उसका टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए अपने को ये सारे काम करने पड़ेंगे। बट ये सब तो हम करेंगे बाद में पहले कुछ जनरल रूल मेरे को आपको सिखाने होंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, एक्टिव सेंटेंस को अगर अपने को पैसिव में बदलना है तो हम क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलेगे तो क्या है एक्टिव में सब्जेक्ट पहले है, रहता है फिर वर्ब रहता है फिर ऑब्जेक्ट रहता है अब आपको बोला कि भाई इसको पैसिव में बनाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले ऑब्जेक्ट लाना है और फिर एंड में सब्जेक्ट यानी समझ रहे हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को इंटरचेंज करना है ये आपका सबसे पहला रूल है इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या रूल है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन सोल्व करेगा ना और क्लियर हो जाएगा पहले सुनो दूसरा क्या है आपको हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी लगाना हेल्पिंग वर्ब तो अपने को पता चल चुके ना कौन कौन से इज एम आर वॉज वर्व हेड ये सब कुछ ना कुछ लगेगा यानी ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा मैं इसको मिटाती हूँ एक मिनट पूरा ही मीडिया चलो कोई बात नहीं तो देखो ये मेरा था एक सेंटेंस जो कि इस स्ट्रक्चर में बना हुआ था मैं काम करती हूं कुछ सेंटेंस लिख ही देती हूं शी हैज रिटन अ poem ठीक है एक सेंटेंस मैंने लिखी जो कौन से फॉर्म में बैठा है एक्टिव फॉर्म में अब इसने पहला रूल क्या बोला अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इंटरचेंज करो तो क्या है ये ऑब्जेक्ट है इसको मैं लिख दूंगी पहले अपोयम ठीक है दूसरा इसने रूल क्या बोला कि मेरे ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है वो आपको ये टेबल बताएगा ये टेबल आपको बताएगा जो मैं आपको आगे बोली हूं ना मैं दूंगी देखो हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे अब मेरा सेंटेंस कौन से टेंस में है जल्दी पहचानो ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इधर है इसमें कौन से हेल्पिंग ऑफ लगते हैं हैज बीन सिंगुलर के साथ हैज बीन तो मेरे को यहाँ पे ना क्या लगाना पड़ेगा हैज बीन ठीक है चलो स्टेप बाय स्टेप इंटरचेंज करें कर दिए, दिए। लगाए, लगा तीसरा क्या है पास पार्टिसिपल क्या होता है अरे थर्ड फॉर्म होती है यार तो यहां पे याद रखो पैसिव सेंटेंस में दुनिया का कोई भी पैसिव सेंटेंस हो उसमें वर्ब जो होगा मेन वर्ब वो हमेशा अपनी तीसरी फॉर्म में होगा हमेशा यानी पैसिव में अगर आप सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे हो तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, में होगा बस फुल स्टॉप तो यहां पे देखो अपना सेंटेंस क्या है वैसे तो थर्ड फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म भी लिख दिए फोर्थ क्या बोल रहा है एट द प्रीपोजिशन बाय इसके बाद क्या लगाना है अपने को बाय तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय और क्या था सब्जेक्ट आ जाएगा ना एंड में तो शी सिर्फ शी मत लिखना क्योंकि थोड़ा सा ना हो जाएगा अ पोयम हैज बिन रिटन बाय शी नहीं अ पोयम हैज रिटन बाय हर तो ये पे शी हटा के बस हर लिख देना बस इतना ही रूल है एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए चार रूल है जल्दी जल्दी बताओ मेरे साथ साथ एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के चार रूल है पहला है सब्जेक्ट को एंड में लाओ ऑब्जेक्ट को पहले लाओ दूसरा रूल है ऑब्जेक्ट आपने पहले लेके आए ना तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है हेल्पिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा से. अगर सेंटेंस का टेंस है पास्ट परफेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब ये लगेगे अगर सेंटेंस का टेंस है फ्यूचर तो परफेक्ट तो ये लगेगा ठीक है हेल्पिंग वर्ब लगा दिए उसके बाद जो आपका मेन वर्ब होगा वो हमेशा अपनी पास पार्टिसिपल फॉर्म यानी उसकी थर्ड फॉर्म में लगाएंगे बैठेगा वो और फिर मेन वर्ब के बाद हम लिखेंगे बाय और फिर सब्जेक्ट समझा चलो अभी अपन करते हैं क्वेश्चन सॉल्व मैंने आपके सामने चार सेंटेंस लिखी हूं चार से पांच सेंटेंस है इसको अपन सॉल्व करते है. पहला क्वेश्चन है द पुलिस चेज इज thief पुलिस ने पकड़ी आ, पकड़ती है चोर को पुलिस पकड़ती है चोर को तो काम कौन कर रहा है पकड़ने का वो सब्जेक्ट होता है ना तो ये सब्जेक्ट है काम क्या हो रहा है पकड़ने का ये वर्ब है बताइए आपको पहले ही, काम को ग्रामर की भाषा में वर्ब बोलते हैं और बचा कुचा सेंटेंस ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करो चलो आ जाओ मेरे साथ क्या पढ़े थे सबसे पहला रूल ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले सब्जेक्ट आ जाएगा एंड में यानी द थीफ से अपने सेंटेंस की शुरुआत करी लिखूंगी द थीफ दूसरा क्या था हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे सेंटेंस का टेंस थीफ गए है प्रेजेंट सिंपल टेंस तो टेबल किधर है मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं इज एम आर में से सिंगुलर है तो ईस आई है तो एम और प्लुरल है तो आर चलो आ जाओ तो यहां पे मैंने क्या लगाई ये क्या है थीफ एक ही थीफ है ना एक ही चोर है तो ईस लगेगा चलो तो इंटरचेंज कर दिए हेल्पिंग वर्ब लगा दिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब चेज का थर्ड फॉर्म क्या होता है चेस ईडी ये रेगुलर वर्ब है तीसरा काम हो गया फोर्थ क्या था फोर्थ रूल प्रीपोजिशन बाय लगेगा तो यहां पे तो लगा दो बाय है ना अब ऑब्जेक्ट इधर है सब्जेक्ट बचा हुआ है ना कौन है सब्जेक्ट द पुलिस हो गया तो ये बेसिक रूल है द थीफ इज चेस्ड बाय द पुलिस अगर सेंटेंस का टेंस देखो यहां पे भी वो वही शी रोट अ लेटर अ लेटर अब ये सेंटेंस का टेंस देखो क्या है रोट यानी सिंपल पास्ट है सिंपल पास्ट के लिए हम कौन सा हेल्पनोम लगाते हैं सिंगुलर है तो वर्स प्लूरल तो वर राइट right? तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा सिंगुलर है ना तो यहाँ पे लगेगा अ लेटर वॉज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटर्न प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट है हर अ लेटर वॉज रिटर्न बाय हर राइट दे हैव बिल्ट अउस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैसिफिक में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का टेंस देखेंगे दे हैव बिल्ट अ हाउस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा लगता है हैज हैव बीन तो सिंगुलर है तो हैज बीन मेन वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में रहेगा प्रीपोजिशन बाय और दे बन जाएगा ठीक है पक्का समझा क्या चार रूल कौन बताएगा एक बार एक लिख के कंफ्यूज होते हो आप लोग एक लास्ट बार रिवाइज करवा रही हूं एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दूसरा क्या है अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएगा और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है ये अपने को देखना पड़ेगा सेंटेंस का टेंस और फिर टेबल को रिफर करेंगे ठीक है अब टेबल आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं है आपको टेबल घर से पढ़ के जाना है ठीक है फिर क्या है मेन वर्ब जो होगा वो हमेशा मेन वर्ब हमेशा अपनी कौन सी फॉर्म में होगा अपनी वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में होगा प्रीपोजिशन बाय लगा होगा ये चार रूल है ये फॉलो करोगे सिस्टम से आपका मेन हो जाएगा चलो अभी जिसका आपको है इंतजार उसको करते हैं पार क्वेश्चन सॉल्विंग चलो देखो ये आपके एग्जाम में आ चुका है 2008 में पूरा ये पीडीएफ इस पीडीएफ में क्या है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं आज तक उसकी पूरी लिस्ट है चलो देखो वी प्लांटेड फ्लावरिंग बुशेस क्वेश्चन है और बोल रहा है अपने सेंटेंस की शुरुआत करो फ्लावरिंग बुशेस से यानी बोल रहा है देखो ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है बोल रहा है सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से करो यानी ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि एक्टिव एक्टिव का सेंटेंस रहे से बच्चे फंसते इसीलिए क्योंकि तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा ही नहीं होता कि एक्टिव एक्टिवर्स स्पेसिवर्स का क्वेश्चन है समझे बट आप लोग समझ जाना यार ये पेसिफ में कन्वर्ट करना है क्योंकि अपने को फ्लावरिंग बुशेस से सेंटेंस शुरू करना है ना तो ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है फ्लावरिंग बुशेस है ना अब सेंटेंस क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब वर्ब लगाना है ना सेंटेंस का टेंस देखेंगे वी प्लांटेड फ्लावरिंग बुशेस तो प्लांटेड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है सिंपल पास्ट सेंटेंस में वॉज या वर लगता है तो ये प्लुरल है तो वर लगेगा फ्लावरिंग बुशेस वर मेन वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में रहेगा तो प्लांटेड का थर्ड फॉर्म प्लांटेड ही होता है प्रीपोजिशन बाय लगाई वी क्या बन जाएगा अस तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए शी रहा ना तो इसको कर देना हर ही He रहा तो इसको कर देना हिम दे रहा तो इसको कर देना देम वी को कर देना अस और आई को कर देना मी ये याद रख लो तो यहां पे देखो वी था तो मैंने इसको अस कर दी शी रहेगा तो हर कर देना ही हिम दे, दे, दे वी अस आई मी ठीक है इजी था मजा आ गया वही चार स्टेप को फॉलो करते हुए अपन ने सॉल्व किए इसको चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर्स यहाँ पे भी लोगों ने इंडायरेक्टली अपने को बोले सेवरल डॉक्टर्स से आंसर की शुरुआत करो कौन बताएगा सेवरल डॉक्टर्स वर कॉल्ड वाई ही बच्चे चलाक हो गए अपने नहीं पहले बीते हैं ऐसा नहीं चलो सेवरल डॉक्टर्स टेंस क्या है सिंपल पास्ट तो क्या लगेगा वॉर्ड वर में से ये प्लुरल है तो वर आएगा मेन वो थर्ड फॉर्म में तो कॉल्ड बाय हिज वाइफ हो गया जी क्यों डर रहे थे इतना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से बताओ मेरे को अब समझ में आ गया ना इतना ही था स्टेप स्टेप बोलते ना ऊंचाई तक जाना है तो वो एक एक स्टेप चढ़ने ही हो ठीक है वो एक एक स्टेप तो ऑलवेज रिमेम्बर छोटे छोटे कदम आई लव्ड इट बस और इसको बोले इट से शुरू करो तो आपने देखे आई सब्जेक्ट है लव वर्ब है इट ऑब्जेक्ट है है ना तो इट से शुरू करने बोल रहा है यानी कि ये आ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है तो मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल अपना के इसका आंसर दूंगा आपको पता भी तो होना चाहिए कौन सा ग्रामर है तो आप रूल लगाओगे ना चलो इसका कौन आंसर देगा जल्दी बताओ आई लव्ड इट कौन बताएगा एक्टिव वॉइस वॉइस जल्दी दो यार एक बार सेशन को रिफ्रेश करो एक बार सेशन को रिफ्रेश करो सब लोग सेशन को रिफ्रेश करो जल्दी ये तीन टॉपिक अपनी बड़ी बड़ी खत्म हो गई है अब बाकी के चिंदी चिंदी टॉपिक है फटाफट हो जाएगी यस देखो एक बच्चे ने आंसर दे दिया है। स्नेहा ने आंसर दे दी यस यस देखो समझ गए तो इट लगाए अपन ने देखे ये मेरा सेंटेंस क्या है सिंपल पास टेंस का है सिंपल पास में टेबल में क्या लिखा था कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज तो सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे है हाँ ना मेन वर्ब आएगा तीसरा लव की थर्ड फॉर्म भी लव होती है फिर प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं और आई किस में कन्वर्ट हो जाते बोली थी आई रहा तो उसको मी कर देंगे तो इट वॉज लव्ड बाय मी दैट्स इट समझ में आ गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इतना ही है ठीक है चलो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते फिर अपन नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे इसका इसमें लैक क्यों हो रहा है ये वाला बताओ देखो ये बच्चे एक बात बोलो बच्चे फंसते इसलिए क्यों क्यों ना यहाँ पे लिखा नहीं होता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ग्रामर है ही हैज डिस्कवर्ड द पावर ऑफ अनदर गुड आइडिया सेंटेंस की शुरुआत करनी है पावर ऑफ अनदर गुड आइडिया से थोड़ा सा लैग हो रहा है आई कैन अंडरस्टैंड बट ठीक हो जाएगा थोड़ा सा नेटवर्क बीच में फ्लक्चुएट हुआ इधर पे इसलिए देखो ये है अपना सब्जेक्ट ये है अपने वर्ब और ये था पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तो ये बोल बुरे ऑब्जेक्ट से शुरुआत करो तो आप समझ जाना ये मेरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है। तो चलो चुपचाप से अपन लिखे गए पावर द पावर ऑफ अनदर गुड आइडिया इतना लिख दिए अब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज डिस्कवर टेंस क्या है इसका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन सिंगुलर के साथ है सिंगुलर तो है तो मैं लगाऊंगी है थर्ड रूल क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये थर्ड फॉर्म में बैठा हुआ है ऑलरेडी तो आ जाएगा डिस्कवर्ड फिर आएगा क्या बाय और फिर ही क्या बन जाता है him. मजा आया द पावर ऑफ अनदर गुड आइडिया हैज बीन डिस्कवर्ड बाय हिम एंड ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के ही और ऐसे ही आए गए समझ में आ गया तो ये पीडीएफ पी एकेडमी ऐप से जाके आप देख सकते हो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा इस पीडीएफ के अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस के आए हैं इसकी लिस्ट बना के एक एक करके हमने डाल दिए ठीक है चलो तो एक्टिव पैसिव पैसि की कहानी खत्म अब शुरू करते हैं कौन सा ग्रामर टॉपिक चाहिए बताओ डिमांड करो भाई आपके डिमांड पे सब चीज हाजिर कर दीगे आज सेशन अभी थोड़ा लैग तो नहीं हो रहा है ना हाँ देखो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे पहले भी पूछ रहे थे भी पूछ रहे कि आ, ये मेरा अपना ऑप्शन आएंगे कि नहीं आएंगे तो ऑप्शन पिछले दो तीन साल से आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि इस साल भी आ जाएगा बट ऑप्शन के आंसर भी तो आप तभी दे पाओगे ना जब आपको ये आता है सिंपल है यार तो भाई ऑप्शन आए ना आए अपना बेस तो क्लियर होगा तो ही तो आंसर दे पाएंगे वो ऑप्शन आ गया तो भाई कम ऑन सो टॉपिक ऑफ आर ग्रामर गेटिंग स्टार्टेड बुक जो लिए थे उसमें अब न्यू ग्रामर टॉपिक लिख दो टाइप्स ऑफ यस 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 कम ऑन कम ऑन एवरी वन थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आता नथिंग एल्स चलता है यार थोड़ा बहुत तो Uh, तो मैं क्या बोल रही थी कि अपने कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं पहला सेंटेंस वो जो सिंपल सा कोई बात लिखी होती है जनरल फैक्ट हो सकता है जिसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है है ना जैसे कि मैं बोलूंगी सूर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन राइट तो यहां पे या सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जनरल है या मैं कुछ ओपिनियन दे रही हूँ है ना कि मेरे को लगता है इस साल का पेपर तो भाई आप फोड़ के आओगे कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी एंडिंग क्या हो रही है फुल स्टॉप से हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस अब ये सेंटेंस जो मैं बोल रही हूं या तो मैं पॉजिटिव सेंटेंस बोलूंगी कि भाई मेरे को लग रहा है पेपर बहुत आसान आने वाला है तो इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है नॉर्मल है है ना तो डिक्लेरेटिव के अंदर दो टाइप होते हैं एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और वही बात को अगर मैं नॉट लगा के बोलू कि मेरे को लग रहा है पेपर आसान नहीं आने वाला है यानी यहाँ पे मैंने नहीं ना कुछ ऐसा कुछ बोला मतलब नेगेटिव बना दी तो डिक्लेरेटिव के अंदर नेगेटिव बात है ना अब दूसरा नाम सुनो यही डिक्लेरेटिव का दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंस क्या नाम है असर्टिव जो आपने बहुत बार देखे होंगे और ये जो मैंने पॉजिटिव बताई ना कि डिक्लेरेटिव के अंदर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव तो ये पॉजिटिव का दूसरा नाम है अफर्मेटिव ठीक है पहले इतना क्लियर हुआ आपका इतना क्लियर हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी एक नॉर्मल सा सेंटेंस जिसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है अब वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको दूसरा नाम है अफर्मेटिव अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो भाई नेगेटिव का नेगेटिव है उसको दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव का दूसरा नाम है अफरटिव तो यहां पे आपको बस कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई इसको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है कि कुड शी राइड अ बाइक ये एक क्या है क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है मेक इट असर्टिव तो आपको क्या करना है इधर पे आपको क्या करना है असर्टिव यानी वो सेंटेंस बनाना है जिसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है है ना तो आपको ये ये तो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वाले को क्या करना पड़ेगा फुल स्टॉप से एंड करना पड़ेगा फुल स्टॉप से एंड होने वाले सेंटेंस तो ने देखे ना भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब लेके आओ तो इस सेंटर सब्जेक्ट कौन है शी है लिखूंगी मैं शी क्या है कुड मेन वर्ब क्या है राइड बाइक और क्योंकि असर्टिव है तो एंडिंग फुल से होगा खत्म इतना ही है शी स्टॉप समझ गया क्या असर्टिव में क्या होता है चलो भाई अब इसका उल्टा भी आ सकता है एक फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है अब आपको बोलेगा इसको वो करो दूसरे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोर्स वो सारे सेंटेंस जिसकी एंडिंग किससे होती है एक्सक्लेमेशन मार्क्स से अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो टाइप के होते हैं एक होता है जो कि वॉट से स्टार्ट होता है और एक होता है जो कि हाउ से स्टार्ट होता है ये मैं आपको सिखाऊंगी अभी जस्ट थोड़े टाइम में इसको बस पहले समझो कि एक्सक्लेमेटरी के अंदर दो टाइप होते हैं एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो वॉट से स्टार्ट होता है वॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज ओ माई गॉड हाउ टॉल डैट बिल्डिंग वॉज तो ऐसे कोई भी सेंटेंस को एक्सप्लेटरी बोलते हैं फिर आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है वो सारे सेंटेंस जहां पे हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे को अनब्लॉक कर दे अब से तेरे साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा बहन मेरे को अनब्लॉक कर दे <laughs> तो कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको इंपेरेटिव किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे ये चल उठ जा बहुत हो गया बहुत छो लिया उठ पढ़ाई कर क्या कर रहा है ठीक है तो ऑर्डर हो गया या कुछ हम डिमांड कर रहे हैं है ना तो कोई भी ऐसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं इंपेरेटिव और लास्ट है इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस अब क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं चार टाइप के क्वेश्चन होते हैं पहला होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन फिर आते हैं वर्बल क्वेश्चन फिर आते हैं क्वेश्चन टैग क्वेश्चन देखो एकदम डिटेल में पढ़ा रही हूं तो कुछ भी आपका मिस नहीं हो रहा है रेथोरिकल क्वेश्चन ठीक है चार टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मतलब वो सारे सेंटेंस जिसकी एंडिंग क्वेश्चन मार्क्स से होती है तो चार ऐसे टाइप है जिसकी एंडिंग क्वेश्चन मार्क्स से होती है पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन यानी अब सवाल है तो उसका आंसर एक्सपेक्ट करेगा ना तो डब्लूएच क्वेश्चन में क्या होता है जो आंसर होता है ना ये कैसा मिलता है डिटेल में मिलता है कुछ डिटेल्स होती है एंड ये सब क्वेश्चन की शुरुआत ऑफ ऑफकोर्स वो सारे वर्ड से होते हैं जो डब्ल्यू एच से है जैसे कि वॉट वेर हुज हुए मतलब बहुत सारे आप लोग समझ गए हो ना और हाउ भी हाउ डब्ल्यू एच से नहीं बट तो वो इसी फैमिली का है। तो डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन जहां पे हम सवाल पूछते हैं ये सब वर्ड का इस्तेमाल करके तो आंसर अपने को थोड़ा डिटेल मिलता है जैसे मैं बोलूंगी कि वॉट इज योर नेम तो आप इसका आंसर येस या नो में थोड़ी दोगे यू विल गिव सम इन्फॉर्मेशन यू समिटेल वॉट इज योर एड्रेस वेर डू यू लीव हाउ आर यू फीलिंग वाई आर यू सैड तो ये सारे सवाल जो हम पूछते हैं डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल करके इसका जो आंसर सामने वाला देता है दे गिव सम इन्फॉर्मेशन दे गिव समि राइट नेक्स्ट है वर्बल क्वेश्चन इसमें क्या होता है हमारे क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं हेल्पिंग वर्क से अपने सेंटेंस uh, की शुरुआत करके और जब ये सवाल हम पूछते हैं तो सामने वाला जो आंसर देता है ना वो येस या नो में देता है किस में देता है यस या नो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से मैं शुरू कर रही हूं आर यू अ बॉय आर यू फीलिंग सैड इज ही फीलिंग एनशियस हैव यू स्टडीड तुम्हें देखो हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पे कहीं वेर हुम वाय से कुछ नहीं है ना आर यू फीलिंग सैड क्या आप सैड महसूस कर रहे हो तो आप लोग हाँ यार या नहीं ऐसा जो भी है ना तो हेल्पिंग वर्प से शुरू होने वाले क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो यशनो yes में मिलता है सारे के सारे और ये वाले क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन ठीक है, है? फिर आते हैं अपने क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग तो आपको पता ही है कौन से क्वेश्चन होते हैं जहां पे हम आ, अपनी ही कहीं भी बात को रिकनफर्म कर रहे होते हैं जैसे बोलोगी यार परसों पेपर है दिल धक धक कर रहा है है ना तेरा भी हो रहा है क्या तो ऐसा अबे यार ये क्वेश्चन पेपर तो भाई मजा आ गया इजी था है ना, है ना ना आज बहुत गर्मी लग रही है यार है ना तेरे को भी लग रही है ऐसा तो ये मैं है ना है ना एंड में बोल रही हूँ ना हिंदी में अच्छा है कि भाई सब जगह है ना लगा दिए और बोल दिए अपनी बात को रिकनफर्म कर रहे है तो सामने वाला भी बोलते हैं हाँ भाई मेरे को भी लग रही है गर्मी बट इंग्लिश में हम थोड़ा रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो क्वेश्चन टैग होते हैं ठीक है द वेदर इज सो गुड इजेंट इट ऐसा यू आर लुकिंग सैड आर एंट यू पेपर इज सो इजी इजेंट इट ठीक है ऐसा फिर आते हैं रिथोरिकल क्वेश्चन रिथोरिकल क्वेश्चन में हम क्या करते हैं सामने वाले से आंसर की एक्सपेक्टेशन एकस्पक्टेश, ही नहीं करते रिथोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं? वो सारे क्वेश्चन जहां पे हम बस रैंडमली कुछ पूछ रहे हैं जैसे कि यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है यार भगवान आप देख रहे हो ना मेरे साथ उसने कितना बुरा किया ठीक है क्या कोई मेरा है भी इस दुनिया में

ऐसा तो इसको बोलते हैं हम रेथोरिकल तो क्वेश्चन को क्या करना है एक एक करके थोड़ा देखना है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखो तो पे मैंने क्या करी <laughs> एक सेंटेंस है ना दिल तो सबके पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते वाह 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 उसी के रिप्लाई में एक बच्चा बोला एक स्टूडेंट आप की तरह था उसने बोला सही यार मैम बुक तो सबके पास होती है बट सब पढ़ने वाले नहीं होते अरे यार क्या एकदम <laughs> सच बात बोल दिया है ना? एकदम आपके दिल की बात निकल गई तो देखो ये क्या है ये सारे फुल स्टॉप वाले सेंटेंस है डिक्लेरेटिव अब यहाँ पे बेचारी आलिया भट्ट रो रही है मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है तो यहाँ पे वो कुछ डिमांड कर रही है शी इज रिक्वेस्टिंग समथिंग तो ये क्या है मुझे घर जाना है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है राइट फिर ये बोलेगा भाई गजब बेच जाती है यार <laughs> ये अपना सेंटेंस है ये क्या बोल अबे पढ़ाई लिखाई करो आई एस वाई एस बनो क्या टाइम पास कर रहे हो इधर पे हाँ आई एस वाई एस बनो तो ये क्या कर रहा है इसको ऑर्डर दे रहा है तो जल्दी बताओ ये वाला सेंटेंस अपना क्या होगा ये वाला सेंटेंस अपना होगा इंपेरेटिव सेंटेंस ठीक है <laughs> ये आंटी सवाल पूछ रही है उस दिन रसोड़े में कौन था मैं थी तुम थी कौन था या रशी थी <laughs> तो ये आंटी सवाल पूछ रही है तो ये इंटरोगेटिव है बट इंटरोगेटिव में भी कौन सा वाला कौन था कौन यानी हु तो कौन सा वाला है भाई अपना डब्ल्यू एच वाला इंटरोगेटिव है ठीक है ये बोल रहा है बच्ची हो क्या समझ नहीं आता <laughs> तो ये क्या है ये रिथोरिकल क्वेश्चन है ना, है ना अपन गुस्से में बोलते हैं ना यार छोटी बच्ची हो क्या समझ नहीं आता <laughs> रिथोरिकल है वो आ, आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है वो गुस्सा निकाल रहा है अपना ये बोल रही है क्या करूं मर जाऊं मेरी कोई फीलिंग नहीं है ये भी क्या कर रही है रिथोरिकल सवाल पूछ रही है ना रिथोरिकल क्वेश्चन क्या करूं मर जाऊं मेरी कोई फीलिंग नहीं है <laughs> फिर ये भी देखो सारे के बाप बोल गए मैम ने तो सारे के सारे मीम लेके आ गए हाँ भाई लाइव पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करना पड़ता है आप लोगों के लिए ये ये बोल रहे साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है भाई ये भी किसी से आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ है जिंदगी में कि वो निराश होके बैठे बोरे काहे ये दुख खत्म नहीं होता है मेरा काहे वाय तो ये भी एक रिथोरिकल क्वेश्चन है तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या लॉजिक है और इंग्लिश हम जो भी पढ़ते हैं ग्रामर में वो एक प्रैक्टिकल चीज है स्पोकन इंग्लिश में आपकी बहुत हेल्पफुल हो, होता है राइट तो आपको एक गुड न्यूज मैं दे देती हूँ क्योंकि यहाँ पे अपनी इतनी भारी जनता बैठी हुई है मेरे से इंग्लिश आप लोग पढ़ते हो तो गौर से सुनो आपका बोर्ड एग्जाम जब एंड हो जाएगा सारे के सारे बच्चे हमारे महाराष्ट्र के गौर से सुनो जैसे ही हमारा बोर्ड एग्जाम एंड हो जाएगा आप एक हफ्ता दस दिन पहले तो आराम से रिलैक्स होना शांत होना वैकेशन बनाना उसके बाद मैं एक स्पोकन इंग्लिश का मतलब आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाली हूँ ठीक है सो आपको अगर बचपन से ही था पहले से ही लाइक आई वॉन्ट टू बिकम फ्लूट इंग्लिश स्पीकर मेरे को बिना डरे बिना हिचकिच आए सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना सीखना है कभी भी मैं इंग्लिश बोलने से डरू नहीं ये मेरी स्ट्रेंथ बन जाए क्योंकि एक ऐसी स्किल है जो आप एक बार सीख गए तो पूरी जिंदगी भर आपको ये काम आएगी बोलते हैं ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जो एक बार आप सीखते हो पूरी जिंदगी आपकी सही हो जाती है तो उसमें से एक स्किल होती है अपनी स्पोकन इंग्लिश को सीखना राइट सो so, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ इसलिए बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपको जुड़े रहना है इसी चैनल में राइट सो so, यस yes, ये मैं आपको इन्फॉर्म करना था बस क्योंकि तो स्पोकन इंग्लिश इज लाइक फॉर एवरी वन कोई भी इंसान हो उसको आना चाहिए इंग्लिश में बात करना इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना अपने थॉट प्रोसेस एक्सप्रेशन विदाउट फियर बोल पाना चलो तो अभी आपको इतना समझ में आ गया है कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है अभी मैं आपको बताती हूँ वन मिनट ये सब कुछ अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन hmm. टैग देखो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको बनाने का क्या तरीका है वो मैं आपको सिखाती हूँ जैसे आपको क्वेश्चन टैग सीख गए ना उसी से इंटरलिंक है रिथोरिकल क्वेश्चन हर साल आता है इस साल भी आया था पिछले साल भी आया था ठीक है गौर से सुनो क्वेश्चन टैग में क्या होता है एक सेंटेंस लिखा होगा ठीक है एकदम सा है कुछ टफ नहीं है इसके भी कुछ रूल्स है एक खाली पेज दे दो नहीं है क्या खाली पेज हाँ तो देखो क्या होगा एक सेंटेंस आपके एग्जाम में आया होगा और यहां पे लिखा होगा एड क्वेश्चन टैग क्या लिखा होगा जी एड क्वेश्चन टैग तो आप क्या करोगे दो तीन चीज याद रखो पहले सबसे पहला काम आप क्या करोगे जो सेंटेंस जैसा दिया गया है आपके क्वेश्चन का वो सेम टू सेम अपने आंसर में आप उतारोगे जैसे आप क्या लिखोगे इधर पे लिखने के लिए यू कैन प्ले द गिटार ठीक है फिर आप क्या करना एक सेंटेंस के एंड में कॉमा लगाना ठीक है अब अपने सेंटेंस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा देखो क्वेश्चन टैग बनाना सिखा रही हूं अपने सेंटेंस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको देखना तो मेरे सेंटेंस में क्या है हेल्पिंग वर्ब कैन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो मैं क्या कर दूंगी इसको नेगेटिव कर दूंगी यानी नेगेटिव करना यानी नॉट लगाना है ना तो कैन नॉट बट क्वेश्चन टैग को अब कभी भी हम फुल फॉर्म में नहीं बोलते इज नॉट नहीं बोलते इजंट डू नॉट नहीं डोंट डिड नॉट नहीं डिंट उसी तरीके से कैन नॉट नहीं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेगे कांड ठीक है बस ये मिल गया मेरे को अपना हेल्पिंग वर्क तो मैं क्या करूंगी कॉमा के बाद लिखूंगी कांड ठीक है हेल्पिंग वर्क का पहले काम करेगा उसके बाद सब्जेक्ट जो भी होगा ना वो लिखेगा तो यू कैन प्ले द गिटार कॉमा कांड सब्जेक्ट क्या है यू तो मैं लिख दूंगी इधर यू और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो एंडिंग क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क्स से बस इतना ही है इतना ही है समझ गया एक बार आपको थोड़े से मेरे को एक्सेप्ट तो मैं अपना क्वेश्चन टैग क्या करूंगी नेगेटिव बनाऊंगी क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाऊंगी लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन में नेगेटिव है मतलब यहां पे अगर कैन नॉट होता ना यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट तो मेरा क्वेश्चन टैग क्या बनता मेरा क्वेश्चन टैग बनता पॉजिटिव यानी ऐसा बनता कैन यू तो सबसे पहला रूल यही है कि हमारा जो भी सेंटेंस होगा अगर वो पॉजिटिव है देख लो अगर पॉजिटिव है तो मेरा देखो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा यू आर स्टूडेंट आर एंड यू लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा जैसे कि मैरी इज नॉट अ टीचर इज शी अब कुछ एक्सेप्शन देख लो बस छोटे मोटे कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि दिखने में पॉजिटिव है बट एक्चुअल में नेगेटिव है जैसे कि ये सेंटेंस आप देख सकते हो ही हार्डली डज एनी वर्क ये एक सेंटेंस है आप बोलोगे इसमें तो कोई भी नॉट नहीं लिखा हुआ है नॉट

तो यहां पे देखो वही है ही हार्डली डज एनी वर्क हेल्पिंग वर्ब है डज सेंटेंस है नेगेटिव तो पॉजिटिव अपन ने बनाया ही फाउंड बैरली एनीथिंग हाँ एक और चीज कभी कभी क्या होगा कुछ कुछ सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए ही नहीं और ऐसा होता है तो आप क्या करोगे जैसे कि ये वाला सेंटेंस आपको दिख रहा है ही फाउंड बैरली एनीथिंग टू ईट इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं और बिना हेल्पिंग वर्ब के तो क्वेश्चन टैग बनेगा ही नहीं तो वहां पे अपनी कौन मदद करेगा वहां पे अपनी मदद करेंगे तीन सिपाही लोग डू डस और डिड डू कब लगाएंगे अगर अपना टेंस सेंटेंस का प्रेजेंट है और उसमें सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है डस कब लगाएंगे जब अपना सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट है और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है डेड कब लगाएंगे जब अपना सेंटेंस पास्ट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर हो पूरल हो फर्क नहीं पड़ता डेड लगाएंगे तो यहां पे सेंटेंस देखो फाउंड लिखा हुआ है फाइंड फाइंड फर्स्ट फॉर्म फॉर्म होती होती है और find की second form होती है और की सेकंड फाउंड तो यहां पे सेंटेंस में फाउंड लिखा हुआ है तो इससे ने पहचान ली मेरा सेंटेंस क्या है पास्ट है इसलिए मैं डिड की सहायता लूंगा तो यहाँ पे क्या बन गया डिड ही ये बैरली की वजह से सेंटेंस नेगेटिव है ना इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव रखी ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बीच बीच में आपके अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर देर से हो रही है दैर से जैसे कि देर देर इज अ बुक तो आप क्या करोगे उसको देर ही रखना मतलब हेल्पिंग के बाद है ना देर इज नो वाटर इन द क्लास इज देर देर इज अ बुक ऑन द टेबल इज एंट देर ठीक है उसी तरीके से वन से अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वन तो वन ही रखना उसको कोई चेंज मत करना ठीक है यहां पे भी आप देख सकते हो नो बडी वेन टू द मीटिंग नो बडी से अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत हो रही है या अगर आपका सब्जेक्ट आपको दिख ही नहीं रहा है तो आप क्या करोगे नो बडी से तो देर रखना ठीक है नथिंग रहा तो इट पकड़ना ये चीज है अब इसी से रिलेटेड अपना क्या होगा रिथोरिकल क्वेश्चन हो पहले तो मेरे को ये सब ये चार क्वेश्चन अपन सॉल्व करते कि इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा बताओ ही प्लेस फॉर द बैंड मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और बोला एड क्वेश्चन टैग तो आप क्या करोगे वॉट यू विल डू हाँ टाइम थोड़ा फास्ट चलो फास्ट लेती हूँ जल्दी बताओ आप देखें कि भाई मेरे सेंटेंस तो पॉजिटिव है और सेंटेंस में ऊपर से हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो डू do, डिड पर सेंटेंस का टेंस क्या है प्रेजेंट सिंगुलर तो क्या लगेगा सेंटेंस पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म ही लगेगा इसका तो अपन ने पहले ही देखे कांट यू इसका क्या बनेगा हैज है सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा तो सिंपल सा रहेगा ये हैज ही नीरू वॉज सैड आफ्टर फेलिंग एग्जाम वॉज सेंटेंस क्या है पॉजिटिव मतलब नॉट नहीं लगा हुआ है तो वॉज नॉट वॉज नीरू मत लिखना नीरू अगर मान लड़की है तो उसका प्रोनाउन लिखना वॉजन शी ऐसा ठीक है क्योंकि ने एक बार नीरू के बारे में बोल दिया तो फिर से नीरू नहीं लिखेगा कि वो वो तुजात सी है ना तो ये क्वेश्चन अब अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह अब आपके एग्जाम में रेथोरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ सब लोग गौर से सुन लो सारे के सारे बच्चे आपको ट्रिक बता रही हूं एक ट्रिक है अपने पास कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको रिथोरिकल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करना पता है पहले उसका क्वेश्चन टैग बनाना जैसे मान लो यहां पे उसने बोला दे लीव इन दिल्ली और आपके एग्जाम में बोला मेक इट रिथोरिकल क्वेश्चन ठीक है अब आपको इसका आंसर बनाना है तो मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ क्वेश्चन टैग हर बच्चे को आता है ना उसके सहायता आप लेना आप सबसे पहले क्या करना देखना इसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है आप बोलोगे दे लीव इन दिल्ली हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं प्रेजेंट प्लूरल है तो डू लगेगा सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको मैं कर दूंगा नेगेटिव और ये प्रोनाउन है तो ये डोंट दे राइट डोंट देस का बनेगा अब इसको रिथोरिकल बनाना है ना तो बस अपन क्या करेंगे ये डोंट को ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेके आएंगे डोंट दे लीव इन दिल्ली एंड क्वेश्चन मार्क कहानी खत्म यही था आपका रिथोरिकल क्वेश्चन इस रुक जाओ थोड़ा सा मुझे पता है बफर हो रहा है तो नोटिफिकेशन समझ गया सो so आपको ट्रिक बतायू मैंने कि कैसे आपको एक सेंटेंस को रिथोरिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है पहले उसका क्वेश्चन टैग बनाना और वो क्वेश्चन टैग को स्टार्टिंग में लगा देना ठीक है बस एक छोटी सी चीज याद रखना रिथोरिकल क्वेश्चन में कि आप उसका प्रोनाउन प्रोनाउन है तो प्रोनाउन तो ही रखोगे प्रोनाउन नहीं है जैसे कि यहाँ पे सारा है है ना तो इसका क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या करेंगे इजंट शी करेंगे बट रेथोरिकल में अपने को प्रोनाउन नहीं लिखना होता है जो है सारा है उसको सारे ही रखेंगे ठीक है जैसे देखो इसका पहले क्वेश्चन टैग बनाओ आ जाओ सारा इजंट अटेंडिंग द कॉन्सर्ट तो ये नेगेटिव है इज इसका क्वेश्चन टैग तो इज शी बनेगा है ना बट रिथोरिकल में क्या होगा इज आएगा अपने को इतना पता चल गया और सारा का नाम ही लिखना उसको शी मत करना ई सारा अटेंडिंग द कॉन्सर्ट और क्वेश्चन मार्क ठीक है तो ये छोटी सी चीज बस याद रखना एकदम छोटी सी चीज है क्वेश्चन टैग में हम सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे और रेथोरिकल क्वेश्चन में सब्जेक्ट का जो नाम है वो ही रखेगे ठीक है हाँ अगर क्वेश्चन में खुद प्रोनाउन लिखा हुआ है तो प्रोनाउन ही रखेगा ऐसा तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन टैग एंड रिथोरिकल क्वेश्चन चलो आ जाओ पी वाई क्यू सोल्व करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या मैं आपको ये भी करवा एक्सक्लेमेटरी भी करवा दू क्या हाँ, एक काम करते एक्सक्लेमेटरी भी कर देते आ, नहीं चलो क्वेश्चन पी वाई क्यू सोल्व कर ही देते वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आ जाओ तो अपन अभी रिथॉरिकल क्वेश्चन एंड हाँ ये रहे देखो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन सॉल्व करते यू विल गेट एन आइडिया हाउ यू हैव है देखो क्वेश्चन टैग हाँ आ जाओ देखो पहला क्वेश्चन क्या है आई एम ग्रेटफुल टू हिम एड क्वेश्चन टैग तो अपन देखेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब है एम सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाएंगे तो एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम आरंट लगते हमेशा ठीक है आंट भी होता है बट क्वेश्चन टैग में ना हम इसको आरंट ही कर देते हैं कोई ऐसा वो नहीं हो ठीक है इसको आप ये भी लिख सकते हो ए आई एंड टी ठीक है नेगेटिव में तो अच्छा क्वेश्चन टैग है ना तो क्वेश्चन टैग में देखो तो एंड में लिखना होता है हां और इथोरिकल में स्टार्टिंग में पहले पूरा सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे फिर तो कॉमा लगा के अपना क्वेश्चन टैग डालेंगे कॉमा आरंट या आंट आए दोनों को सही मिलेगा क्वेश्चन मार्क दिस टाइम दे ब्लूमड ऐड क्वेश्चन टैग यहां पे सेम कहानी है अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है तो अपन क्या करेंगे डू डस डिड में से क्या आएगा जल्दी बताओ मेरे को ब्लूमड पास्ट टेंस है यानी डिड आएगा सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको अपन नेगेटिव कर देंगे सब्जेक्ट क्या है दिस डिंट सॉरी सब्जेक्ट दे है दे दे ठीक है तो ऐसे सॉल्व करना है बोथ ही एंड डेविड ग्रींड डोंट दे थोरियो थोरियोरेज अ प्रोक्रेटिव क्वेश्चन डिंट ही डिंट ही इसका आएगा It looks like I इसका क्या आएगा were वर rarity. इसको देखो अपने को रिथोरिकल क्वेश्चन बनाना. रिथोरिकल क्वेश्चन क्या करोगे बताओ पहले क्वेश्चन टैग बनाएंगे. इसका क्वेश्चन टैग क्या बन रहा है वर है ना और वैसे भी इसको अपने को प्रोनाउन में तो कन्वर्ट करना है नहीं रिथोरिकल में इसका तो नाउन लिखना है क्या करेगा वरंट वरंटेलीफोन्स अब एक बार वरंट लिख दिया ना तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है अरेटी क्वेश्चन मार्क यस बिल्कुल इट इज एक्सटेंसिव देखो 2016 में आया था मेक इट रिथोरिकल क्वेश्चन इट इज एक्सटेंसिव इसका आंसर आप लोग दो मेरे को देखते हो सबसे फास्ट आंसर कौन देने वाला है हाँ इसके बाद अपन पांच मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर आगे की टॉपिक कवर करेंगे वॉज इट क्यू वॉज क्यूं आएगा इधर है न इज हाँ इजेंट इट आएगा इजंट इट एक्सटेंसिव क्वेश्चन मार्क आई रिसीव द शॉक ऑफ माई लाइफ मेक इट रिथोरिकल नहीं है सेंटेंस पा, पास्ट में है तो डिड आएगा और पॉजिटिव है तो डिड डेंट आई रिसीव अब आपको बार बार मैंने बोलू जब भी डेढ़ आता है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म पकड़ता है तो डिंट आई रिसीव दई लाइफ ठीक है चलो दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपने इसके फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसका बता दो आप बोलोगे सेट सैट है सेट भी क्या है तो ना आप लोग बहुत लकी हो क्योंकि ना दो तीन साल पहले इंग्लिश के सेट आया करते थे मतलब आपके सामने जो बैठा हुआ है आपके आगे उसको अलग क्वेश्चन पेपर मिलता था आपके पीछे वाले को अलग आपके बाजू वाले को अलग तो कॉपी करने के चांसेस ही नहीं थे क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है बट अभी सबको सेम पेपर मिलता है तो आपके बाजू वाला पीछे वाला दाएं वाला सबके हाथ में एक ही पेपर होने वाला है तो सब एक ही आंसर लिखेगा आई डेंट स्टिक एट एनीथिंग फॉर लॉन्ग अब देखो ये क्या है नेगेटिव सेंटेंस है तो अपने को बस डेड लगाना है ना तो बात खत्म डेड आई स्टिक एट फॉर लॉन्ग बस पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है सेंटेंस नेगेटिव है मैंने इसको पॉजिटिव कर दी और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा समझ में आ गया क्या चलो तो ये पीडीएफ में आपको क्या मिल जाएगा इस पीडीएफ में आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने भी है रेथोरिकल वेथोरिकल जो भी बनते हैं द मद इसका बस बता दो क्योंकि सबसे रिसेंट क्वेश्चन है 2022 में आया था सबसे रिसेंट क्वेश्चन है रिथोरिकल क्वेश्चन द मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड मेक इट रिथोरिकल यस अगेन नो हेल्पिंग वॉट इज गिवन टिफाई देंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस एंड इट इज सिंगर सो डे वाला है क्योंकि इट इज पॉजिटिव सो ड रहा तो शी कर देगा क्योंकि मदर लेडी है बट रिथोरिकल में द मदर ही रखेगे डजेंट द मदर लुक्स लुक्स मत करना यार क्योंकि डज आता है तो ये स की आवाज नहीं पकड़ता है आफ्टर हर चाइल्ड क्वेश्चन मार्क सो so, अभी हम क्या करते हैं फटाफट से ये टॉपिक को करते हैं यहीं पे समाप्त आई होप आपको हमारा फोर्थ टॉपिक ग्रामर का अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन टैग एज वेल एज रिथोरिकल क्वेश्चन अभी हम दो मिनट का बड़ा पांच मिनट का नहीं दो मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको हम सीखेंगे ठीक है चलो तो आप लोग जा सकते हो वन नंबर टू नंबर जो भी है आपका या थोड़ा वॉक कर लो ये, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अभी टू मिनट ब्रेक टू मिनट हाँ ये वाला टॉपिक थोड़ा दो तीन टॉपिक और बड़े बड़े कर लेंगे उसके बाद पांच मिनट का ब्रेक अच्छा हैं। आराम से पढ़ो यार अभी तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ो बल्कि बैठ के अभी कोई दो दिन एक ही दिन बचा है ना ओके यस बैक वी आर बैक अगेन चलो चलो माइंड को फिर से बोल दो बेटा हो गया ब्रेक लग जा फिर से सो so, अपने अभी पांचवा टॉपिक है ग्रामर का देखो मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट ग्रामर करा रही हूँ जो आएगे ही आएगे गए हल्के में मत लो एग्जाम के दो दिन पहले करा रही हूँ कुछ सोच समझ के करवा रही हूँ तो गौर से सुनो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं वो सारे सेंटेंस जहां पे हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहे होते हैं अपने इमोशन का या तो इमोशन अपने बहुत ज्यादा गुस्से वाले है दबाकर उसको दबा मार दूंगा या तो कोई ऐसा सेंटेंस जहाँ पे अपन बहुत ज्यादा खुश है हाईिला क्या नजर से उस लड़की ने मेरे को देखी थी मजा आ गया या तो फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ पे हम बहुत ज्यादा सैड है और एकदम निराश है तो ऐसे भाषा जब हम बोलते हैं फेस टू फेस तो तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम सैड है क्या है क्या नहीं है बट जब लिखित तौर पे हम ये सब को लिखते हैं ना ये सारे सेंटेंस को तो अपन सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन लगाते हैं बताने वाले को कि भाई अपन जो भी लिखे ये सेंटेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन में लिखे तो अपने क्वेश्चन में पेपर में क्या होता है दो टाइप से अपने एक्सलेमेटरी सेंटेंस शुरू होते हैं एक होता है हाउ और एक होता है वॉट से अब गौर से सुनो आपको करना क्या एकदम एकदम चिंदी भाषा में आपको समझाने जा रही हूं क्वेश्चन के ही थ्रू सुनो अगर आपके एग्जाम में एक सेंटेंस आया है और उसके अंदर क्या है ए और एन नहीं है तो आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी अगर ए और एन नहीं है तो आप कौन से सेंटेंस से अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाओगे हाउ से जैसे कि एक सेंटेंस इधर पे लिखा है आपको बोल रहा है एक्सलेमेटरी में कन्वर्ट करो मैं आपको बोल रही हूँ एक्सलेमेटरी सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं एक वर्ड वाले बनते हैं और एक हाउ वाले तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अपना सेंटेंस से शुरू करूँ कि हाउ से तो मैं क्या आपको बोल रही हूँ अगर आपके सेंटेंस में ए और एन नहीं है तो आपका सेंटेंस किससे शुरू करना हाउ से ठीक है तो मैंने ये सेंटेंस पढ़ी द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन अब आप देखोगे भाई इसके अंदर तो ए है ए रहा तो वॉट से शुरू करेंगे सिंपल सेंटेंस में ए और एन नहीं है तो हाउ से शुरू करेंगे ए और एन है तो वॉट से शुरू करेंगे तो मेरे इस सेंटेंस में ए है ना तो मैं अपने आंसर में शुरुआत किससे करूंगी वॉट से और आधे मार्क्स तो आपको वॉट लिखने पे ही मिल जाएंगे बस अब वॉट लिख के मत छोड़ देना थोड़ा आगे कर लेना अब क्या करेंगे वॉट के आगे ए भी लिखेगा ना इसके आगे का जो भी था ना सेंटेंस मेरे सेंटेंस में जहां पे भी ए है उसके आगे की जो भी चीज है मैं यहाँ पे लिखूंगी वॉट स्टैंडिंग ओवेशन वॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन यानी खड़े होके ताली बोलते हैं ना जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो ऑडियंस खड़ी हो जाती है और ताली बजाती है उसको बोलते हैं वॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन ठीक है इतना तो कर दिया ना अब इसके पहले का जो भी सेंटेंस है वो लिख देंगे द ऑडियंस गेव आर्टिस्ट टू द आर्टिस्ट और एंड में क्या करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो दो मार्क्स अरे सॉरी एक मार्क्स आपको कब मिलेगा आधा मार्क्स तो मिलेगा कि आपने व्हाट और हाउ सही लगाए हो या नहीं और आधा मार्क्स मिलेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने पे इतना चिंदी है ये बताओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ द चाइल्ड वॉज हाँ एक और चीज मैं बताती हूँ कि हमारा ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ये खुद में एक्साइटमेंट शो कर रहा होता है तो हमारे सेंटेंस के अंदर वो सारे शब्द जो कुछ ह्यूज चीज बोल रहे होते हैं जैसे कि वेरी ह्यूजली सो इमेंसली ये सारे जो भी वर्ड हो गए ना इसको अपने को काट के फेंक देना है मतलब अपने आंसर में सारे ये सारे वर्ड नहीं आने चाहिए क्योंकि ये सारे वर्ड को रिप्लेस करके हम अपने आंसर की एंडिंग एक्सप्लेनेशन मार्क्स से करेंगे तो ये एक्सप्लेमेशन पार्क ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो इसकी नीड नहीं है ठीक है तो देखो अब ये वाला सेंटेंस क्या है द चाइल्ड वॉज एन आना चाहिए एन या मिस्टेक इस क्वेश्चन में चाइल्ड वॉज एन इमेंसली टैलेंटेड इन हिस्स क्लास क्वेश्चन है आपने देखे भाई एन लगा हुआ है यानी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी वॉट एन एन लगाना अब इस एन यहां आया था ना तो एन के आगे वाला सेंटेंस हम लिख देंगे वॉट एन सॉरी इमेंसली को नहीं लिखेगा इमेन्सली वर्ड हटाएगा बताई थी ना गुजर इमेन्सली नहीं आएगा वॉट एन अब एक चीज बताती हूँ देखो वॉट एन टैलेंटेड इन हिस क्लास लिखे अब एंड से पहले का जो भी सेंटेंस था उसको उसी के आगे लिखेगा द चाइल्ड वॉज एंड में कोई एक्सप्लेमेशन मार्क अब एक चीज बस इधर पे है कि मेरे को पता है कि यहाँ पे एन लगा हुआ था मैंने भी इधर पे एन लगाई बट आपको पता है यहाँ पे एन क्यों लगा हुआ था यहाँ पे एन इसलिए वॉवल मतलब -E स्टार्ट होने वाले वर्ड तो ये आई से स्टार्ट हुआ इसलिए एंड लगा दी बट मेरे आंसर में तो इमेंसली मैंने गायब कर दी ना मेरे से आंसर में तो एन के आगे टैलेंटेड है जो कि वॉवल नहीं है ये तो एक कॉन्सोनेंट है तो मैं को क्या करना पड़ेगा इसको एन नहीं ए करना पड़ेगा तो वॉवल के साथ हम एन लगाते हैं और बाकी सारे जो भी शब्द बचे ए यू e, को छोड़ के बी सी डी एफ जी उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं उसके साथ ए लगाते तो इसका आंसर क्या बनेगा वॉट आर टैलेंटेड इन हिज क्लास द चाइल्ड वॉज ठीक है द पैनल ऑफ स्टूडेंट वॉज ब्यूटिफुली गोइंग टू द स्टेज अब ये पुण्य सेंटेंस पढ़े और देखे इसमें तो ए और एन है ही नहीं यानी मेरे सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी हाउ से तो मैं यहां लिख दूंगी हाउ ए और एन वाला बल्कि अच्छा है क्योंकि तो उससे पता चल जाता है कि भाई इधर एन ए और एन है तो इसके आगे वाला लिख दो पीछे वाला उसके आगे लिख दो मार्क लगा हाउ में कैसे करेगा कोई भी ऐसा वर्ड जो शो कर रहा है एडजेक्टिव एडजेक्टिव जो भी होगा ना अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव मतलब कि भाई वो कितनी अच्छे से उस चीज हो रही थी जैसे कि कितनी लंबी बिल्डिंग है तो टॉल एडजेक्टिव हो गया कितनी खूबसूरत है वो तो ब्यूटीफुल क्या हो गया एग्जेक्टिव तो यहाँ पे क्या एग्जेक्टिव है ब्यूटीफुली तो यहाँ पे मैं करूंगी हाउ ब्यूटीफुली ठीक है यहां से सेंटेंस में पूरा लिखूंगी पहले हाउ ब्यूटीफुली गोइंग टू द स्टेज इतना लिखी अब ब्यूटीफुली का पहले का जो भी सेंटेंस था उसको मैं इसी के आगे लिख दूंगी द पैनल ऑफ टीचर वॉज ठीक है तो ये थोड़ा आपको सुनने में अजीब लगेगा बट ये बोलने का तरीका ही ऐसे होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अब बस लास्ट क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी का सॉल्व करते हैं नहीं दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं दैट फॉरेस्ट इज वेरी ट्रेमेंडियस बताओ डेट फॉरस्ट इज वेरी ट्रेमेंडियस एक्सप्लेमेटरी रीड करें देखे ए और एन तो हाउ से, से अपना एग्जेक्टिव है तो मैं इसको हाउ के आगे लिखूंगी हाउ ट्रेमेंडियस अब उसके पीछे का यहाँ पे और वेरी हट जाएगा याद रखना डेट फॉरेस्ट इज डेट फॉरेस्ट Uh, तेजस भाव सर थैंक यू मैडम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वेलकम वेलकम बहुत अच्छा लगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड इट इज हेल्पिंग यू ऑल लॉट हाउ ट्रेमेंडियस डेट फॉरेस्ट इज ठीक है और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क देखो वेरी हटा देना तो ये इसका आंसर बनेगा अब इसका आंसर मेरे को आप दो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप दो ही वॉज एन आइकॉनिक प्रिंस ऑफ डेट ईरा चलो बताओ आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया और बोला इसको एक्सप्लेमेटरी बनाओ क्या करके आओगे आप लोग बताओ जरा बताओ मेरे को रायता फैला के आओगे या एकदम करेक्ट आंसर लिख के आओगे जल्दी बताओ कमेंट में पता चलेगा मेरे को कि क्या आप क्या करोगे सेम क्वेश्चन आया और बोला एक्सप्लेमेटरी बनाओ तो क्या करोगे सही आंसर लिखोगे कि रायता फैलाओगे क्या बात है देखो सब आंसर दे रहे हैं गीता दानिश अथर्व कृष्णा यस बिल्कुल वॉट से आंसर शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे एन है तो मैं क्या कर दूंगी वॉट एन फिर आगे का सेंटेंस लिख दूंगी इधर पे आइकॉनिक प्रिंस ऑफ डेट ईरा और फिर एन के पहले का सेंटेंस उसी के आगे लिख दूंगी ही वॉस एक्सक्लेमेशन मार्क डन देखो आज तक बस तीन क्वेश्चन ही एक्सक्लेमेटरी पे आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं पिछले बीस साल में दो बार दो हजार तेरह में आया था फिर सीधा दो हजार तेईस में आया दस साल बाद अब लगता है दो हजार थर्टी थ्री में पूछे गए <laughs> दस साल नहीं यार बीस साल बाद नहीं दो हजार तेरह हाँ हाँ बराबर दस साल बाद आया देखो दो हजार तेरह में आया था फिर दस साल बाद आया सीधा इस साल टपका था सीधा बोर्ड एग्जाम में या हो सकता है फिर से पूछ ले गए बताओ ये क्वेश्चन आया है दिस डिस्कम्पोजिशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस मेक इट एक्सक्लेमेटरी क्या करोगे 2013 में पूछा था सेम मैं जो बोली थी ना ट्रिक अपना हो यार बस अपने माइंड को बोल दो ए दिखाना वॉट लिखना ए ए के आगे जो भी सेंटेंस है वो पहले लिखेंगे वॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस और ए से पहले का जो सेंटेंस था उसको उसी के आगे लिख दे कितना इजी है ना मजा आ गया एकदम सिंपल सिंपल स्टेप सॉरी मैं क्वेश्चन मार्क बना दिया एक्सक्लेमेशन आया है ना मजा आ गया चलो इट आई वॉज अमेज आई वॉज अमेज ए और एन नहीं है हाउ एडजेक्टिव क्या है अमेज तो पहले आएगा अमेज आई वॉस देखो 2023 में दिलदार ऑप्शन भी आए आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड Exclamatory. तो देखो आई what? से तो शुरू नहीं होगा क्योंकि ए और एन नहीं है तो वॉट वाले सेंटेंस को एलिमिनेट कर दिया अपन ने बचा सी और बी तो हाउ से शुरू हो रहा है तो हाउ ह्यूमिलेटेड एंड ये होना चाहिए पे कर दिया इसने. को feel क्यों किया जबरदस्ती. ऐसा तो 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 हमने कहीं पढ़े नहीं नहीं. थे कि में टेंस टेंस करना होता है। नहीं। जैसा वैसी रखना होता है. है है. जैसा रहता रखना भी गया बचास, बी। तो करेक्ट आंसर अपना बी है मजा आ गया चलो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक अपन ने अब तक कितने टॉपिक पढ़ लिए? कौन सा बच्चा इधर पे लिस्ट बना के बताएगा जो बच्चे ने लिस्ट बना के बता दिया मैं समझ जाऊंगी वो बच्चा शिद्दत के साथ मेरा पूरा छह बजे से बैठा हुआ लेक्चर देखने के लिए जल्दी बताओ अब तक हमने ग्रामर के कितने टॉपिक पढ़ लिए दो घंटे में पूरा बेसिक से हाँ क्वेश्चन भी सॉल्व करें सिर्फ समझाया नहीं है भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व स्मार्ट ट्रिक शॉर्ट में हम्म बताओ छह टॉपिक पढ़ लिया अपन ने छह लिस्ट बनाओ बिल्कुल टेंस हो गया पढ़ के और बिल्कुल क्या बात है अपनी जनता को पता है कि अपन क्या पढ़ रहे हम्म तो ऐसा मतलब कितने बच्चे होते हैं ना ऐसे थोड़े टाइम के लिए आते फिर भाग जाते वैसे तो नहीं हो ना आप छह बजे से बैठे हो शिद्दत के साथ नोट्स बना रहे हो बिल्कुल तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ वो सारे बच्चों को जो अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं कि हमने अभी पिछले छे छह बजे से हम ग्रामर का पढ़ रहे हैं परसों एग्जाम है इंग्लिश का और अभी बुक लेके बैठे <laughs> तो यहाँ पे मतलब पूरे साल पढ़े हैं अभी रिवाइज कर रहे हैं तो देखो टेंसेस हो गया पूरा बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चन भी सोल्व करे ऑक्सिलरी करे पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ देन एक्टिव पैसिव करे राइट उसके बाद हम हमारी कहानी बढ़ाए आगे और क्वेश्चन टैग करे रिथोरिकल क्वेश्चन को करे देन एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन को सीखे ठीक है तो ये सब छह टॉपिक अपनी पढ़ के हो चुकी है अब सातवी ग्रामर की टॉपिक आपके स्क्रीन के सामने ऑलरेडी पधार चुकी है डिग्री ऑफ कंपैरिजन कम ऑन एवरीवन सेवेंथ टॉपिक ऑफ द डे जोश डाउन जाने नहीं देना है ठीक है कैसे भी करके डिग्री ऑफ कंपैरिजन शुरू किया जाए क्या बात है सेशन देख रहे हो तो सेशन को मेरे को ब्लू वाला थम्सअप दबा दो यार उसमें कोई भी आपको पैसा नहीं भरना है जस्ट यूट्यूब का पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है और आप जैसे बच्चों तक ये रिकमेंडेशन जाएगा जिनको इस वक्त ये वीडियो की नीड है सो आई विल काइंडली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक करो सेशन को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाओ हर जगह हर ग्रुप में शेयर करो सब बच्चों की मदद करो दो दिन पहले कितने बच्चे डिप्रेशन में हो गए सैड हो गए एनजाइटी में हो गए कि मेरा नहीं हुआ नहीं हुआ ये एक वीडियो उनकी होप बढ़ा सकती है उनका कॉन्फिडेंस हाई कर सकती है सो प्लीज़ इसमें मेरे से तो जितना हुआ मैंने शेयर करी हूँ आप लोग की भी सहायता मेरे को चाहिए प्लीज प्लीज यार इतना तो आप कर ही सकते हो चलो मैं अभी जा रही हूं आप लोग का ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाने के लिए किताब में लिख दो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंपैरिजन का मतलब क्या होता है तुलना करना यानी तोलना कंपेयर करना तो हम जो है बहुत बार क्या करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं अपने घर पे भी बहुत किया जाता है है ना वो उसको देख कितना अच्छे से पढ़ती है उसको देख कितना पढ़ के अच्छी जॉब लग गई तो मतलब कंपेरिजन मतलब तुलना करना और जब हम कंपेयर करते हैं तो कोई इंसान की क्वालिटी को एक दूसरे से जरूरी नहीं इंसान को कोई चीज के साथ भी कर सकते इसमें तो बोलूंगी ताजमहल जो है वो बाकी सारे मोन्यूमेंट के कंपेयर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो ताजमहल तो एक मॉन्यूमेंट है वो इंसान नहीं है तो कोई भी चीज मतलब तुलना करने के लिए मिनिमम दो चीज मेरे को चाहिए है ना तो ही तो मैं कर वो कर पाऊंगी या तो या तो मैं खुद ही की कोई क्वालिटी जैसे कि मैं अपनी क्वालिटी के भाई पहले मैं ज्यादा स्मार्ट था तो अपने ही आपको दूसरे तो यहाँ पे मतलब हो क्या रहा है क्वालिटी कोई भी चीज की या तो कोई भी इंसान की एनिमल की भी हो सकती क्या बोल रही हो क्वालिटी इसको ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग का नाम यानी ग्रामर की भाषा में नाउन उस नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर मैं दू कि भाई ताजमहल खूबसूरत है मैं ऐसा नहीं बोली कि वो ताजमहल है ताजमहल है वो खूबसूरत है ठीक है वो लड़का है वो स्मार्ट लड़का है एनिमल जानवर है और भाई बहुत खतरनाक जानवर है तो ये सब जो मैं वर्ड लगा रही हूं ना स्मार्ट खतरनाक लंबा छोटा मोटा जो भी इसमें जो भी अपने होते हैं स्मार्ट टॉल टॉलर तो इसको अपन ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं जी एग्जेक्टिव क्या बोलते हैं एग्जेक्टिव तो जैसे हमने टेंसेस पढ़ने के लिए वर्ब्स में महारत हासिल करे वैसे ही अगर आपको डिग्री ऑफ कंपेरिजन अच्छे से पढ़ना है तो आपको एग्जेक्टिव पहले पता होना चाहिए क्यों क्योंकि एग्जेक्टिव भी तीन रूप में होते हैं जैसे कि मैंने क्या बोली कि वो लड़की स्मार्ट है बट आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखे हो कहीं स्मार्टर एक और चीज देखे हो स्मार्टेस्ट है ना तो के क्या होती है तीन फॉर्म होती है कोई भी एडजेक्टिव हो उसकी तीन फॉर्म होती है टॉल टॉलर टॉलेस्ट स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट हॉट हॉटर हॉटेस्ट शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट तो यहां पे अपने को पता होना चाहिए क्या पहली ऑब्जेक्टिव का दूसरा फॉर्म क्या है और तीसरा फॉर्म क्या है क्यों क्योंकि जो पहली ऑब्जेक्टिव एब्जेक्टिव होता है ना यही अपना पॉजिटिव डिग्री कहलाता है जो सेकंड फॉर्म होता है ना इसी एडजेक्टिव का इसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहलाते हैं और इसी का जो थर्ड फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री तो अगर आपके एग्जाम में बोला कि भाई सुपरलेटिव में कन्वर्ट करो तो आपको एग्जेक्टिव का थर्ड फॉर्म पता होगा तो ही तो कर पाओगे कंपेरेटिव में बोला तो आपको सेकंड फॉर्म पता होगा तो ही कर पाओगे राइट तो पहले अपन क्या करेंगे थोड़ा एग्जेक्टिव के बारे में देखो देखो ये बच्चा है फास्ट चल रहा है अगर मैं इसको दूसरे के साथ कंपेयर करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी ये बच्चा जो है ना इससे फास्ट चल रहा है तो ही इज वॉकिंग फास्टर देन हिम अब ये बोला सबसे फास्ट भाग रहा है सबसे फास्ट मतलब ये ग्रुप है तीन चार लोगों का इसमें से ये सबसे फास्ट भाग रहा है यानी हाईएस्ट सुपरलेटिव पास है भागने की तो क्या बोलिए ही इज वॉकिंग फास्टेस्ट द फास्टेस्ट इसे देखो स्लो चार उससे स्लो होता है और ये स्नेल उससे भी स्लोएस्ट होता है ठीक है टर्टल को अगर रैबिट से कंपेयर करेंगे तो टर्टल रैबिट से स्लो चलता है कैसे मैं इसको लिखूंगी टर्टल इज स्लोअर देन अ रैबिट बताऊंगी बताऊंगी रुक जाओ मेरे को रूल्स भी आपको बताने होंगे ये लड़की देखो टॉल है खुद में लेकिन जब मैं उसको इसके साथ कंपेयर करूंगी तो मैं बोलूंगी शी इज टॉलर देन हिम और ये सबसे लंबी है तीनों में से तो ये सुपरलेटिव है टॉलस्ट ठीक है ये देखो एप्पल ये बिग है खुद में लेकिन ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला ज्यादा बड़ा है ये बिगर है और ये तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा ये है तो ये बिगेस्ट बिग बिगर बिगेस्ट ये ब्राइटर ब्राइट ब्राइटर, ब्राइटर ब्राइटेस्ट ठीक है अब एक चीज आपको बताती हूं कंपेरेटिव डिग्री मे को कैसे मैं आप लोग को डायरेक्ट रूल समझाती हूँ रुक जाओ देखो पहले ना एग्जेक्टिव देखो वो सारे पहले एग्जेक्टिव जिसकी तीनों फॉर्म एक दूसरे से अलग होती है वो सारे स्पेशली सेकंड फॉर्म में ई आर और ई एस टी लगाए राइट तो अपने को ज्यादा नहीं एवल है तो उसका सेकंड एबलर है तो इसमें ई आर लगाए इसमें ई एस टी लगाए तो यहाँ पे पूरा है ना अब दूसरे टाइप के जो एग्जेक्टिव होते हैं जिसके सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ई ई आर एस टी वाली नहीं होती जैसे स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट है ये अलग कैटेगरी वाले कुछ एग्जेक्टिव ऐसे होते हैं जिसके साथ अपन मोर और मोस्ट लगाते हैं जैसे कि पे आपको दिख रहा है राइट इसके सेकेंड फॉर्म होता है मोर राइट right, और थर्ड फॉर्म होता है मोस्ट ब्यूटीफुल का भी तो ऐसे ही है ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलस्ट नहीं होता ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलस्ट नहीं होता ये क्या होता है देखो

सेकेंड uh, फॉर्म में मोर लगा होता है और थर्ड फॉर्म में मोस्ट लगा होता है अब थर्ड में क्या होता है तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं जैसे कि बैड एक्जेक्टिव है इसका फॉर्म है और सॉरी हिंड हिंडर हिंडर मोस्ट लेट लेटर लेटेस्ट लीस्ट much more most old older oldest अच्छा ये ईआर ER में आना चाहिए था सॉरी हां ये ईआर ER में आना चाहिए था अपना तो अपन ऐसे याद कर लिए इतना क्लियर हो गया क्या कौन से मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना हर जगह मोर मोस्ट नहीं लगाना होता है कुछ कैटेगरी होती है तीन कैटेगरी है एक ईआर ER एसटी वाली है एक मोर मोस्ट वाली है और एक तीनों अलग वाली ठीक है।, है अब अपन आते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर देखो दो टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे गौर से सुनो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूं राधा इज द स्मार्ट तो ना अपने को दो टाइप देखने हो गए टाइप वन एंड टाइप टू क्योंकि अपने को एग्जाम में कैसा होगा एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसको बोलेगा इसको कंपेरेटिव में कन्वर्ट करो इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करो तो गौर से सुनो आप लोग क्या करोगे पहले तो आप पहचानोगे कि वो क्वेश्चन मेरा टाइप वन का है या टाइप टू का है कैसे पहचानोगे यहां पे मैंने आपके लिए ये लेके आई ये देखो पॉजिटिव सेंटेंस कब रहेगा जब आपके सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हो रही है और क्या बोली थी एग्जेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म ही होती है ना तो एडजेक्टिव अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगा और उसके आगे पीछे बॉडी गार्ड लगे होंगे कौन बॉडी गार्ड हो गए भाई चुनने मुन्ने एज एज छोटे छोटे बॉडी गार्ड दो तो ये किसका है टाइप वन टाइप वन है ये वो मैं तो आपको पहला वाला नहीं करा रही टाइप वन का पॉजिटिव डिग्री का क्या रूल है सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हो रही होगी ठीक है और फिर हम एग्जेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगाए गए और एग्जेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म के आगे पीछे एज एस लगाए गए इतना दो चीज याद रखो फिलहाल के लिए ठीक है अब मान लो आपको बोल रहा है कि इसको कंपेरेटिव में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे कंपेरेटिव में जो भी क्वेश्चन होगा उसको लिखोगे और आपका जो एब्जेक्टिव होगा उसको उसके सेकेंड फॉर्म में लेके यहाँ पे गुड है ना गुड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बेटर और वो बेटर के आगे लिख देना देन एनी अदर पहले रूल देखो टेबल देखो क्योंकि तो ये एक बार आएगा तो आप लोग समझ पाओगे ठीक है नो no अदर से शुरुआत हो रही है उसको तो आप कन्वर्ट करोगे तो कंपेरेटिव में ऐसा होगा और सुपरलेटिव में ऐसा होगा सुपरलेटिव में क्या करेंगे वो एग्जेक्टिव की थर्ड फॉर्म आएगी गुड बेटर बेस्ट फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पॉजिटिव डिग्री डिग्री सुपरलेटिव डिग्री अब यहाँ पे क्या होगा एग्जेक्टिव के थर्ड फॉर्म के पहले द लगाना यानी द बेस्ट द स्मार्टेस्ट द टॉलेस्ट द शॉर्टेस्ट द हॉटेस्ट ऐसा ठीक है तो ये टाइप वन के क्वेश्चन है जो एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है रमेश इज द बेस्ट बैट्समैन इन द टीम रमेश जो है बेस्ट बैट्समैन तो आपने क्या देखे द लगा हुआ है बेस्ट लगा हुआ है इसको क्या बोल रहे आपके एग्जाम में कि इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करो है ना तो आप क्या करोगे बताओ लिख दियो ना इधर साफ साफ यार नो अदर सेटेंस की शुरुआत करना आपके सेंटेंस में जो भी एग्जेक्टिव है उसको उसकी फर्स्ट फॉर्म में लेके आना उसके आगे पीछे एज लगा देना यही है और कुछ नहीं है ठीक है तो देखो इसको अपने को पॉजिटिव डिग्री में करने तो क्या करेगा सेंटेंस की शुरुआत में नो अदर लगाए नो अदर बैट्समैन ये लिखेगा इन द टीम ये बोला मतलब एग्जेक्टिव के आगे जो भी है ना वो लिखेगा नो अदर बैट्समैन इन द टीम फिर हेल्पिंग रहेगा इज एग्जेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म गुड उसके आगे पीछे उसके बॉडीगार्ड गार्ड एज एज और फिर रमेश अब इसी को कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या रूल है एग्जेक्टिव आ जाएगी सेकेंड फॉर्म में तो देखो रमेश बेटर बेस्ट का सेकंड फॉर्म बेटर होता है ना और उसके आगे क्या लिखना है तो याद लिख, उसी तरीके से ये अब टाइप थ्री सॉरी टाइप टू टाइप वन मैंने आपको समझा दी अब हर पॉजिटिव डिग्री आप ऐसे उससे नहीं होगा अब देखो सुनो गौर से डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टाइप टू जहां पे तुलना हो रही है बट सेंटेंस में कैसा लिखा है पता है वन ऑफ द बेस्ट मतलब एक क्लास है उसमें दो तीन लोग हैं जो इंटेलिजेंट है मतलब एक बंदा इंटेलिजेंट नहीं है वो इंटेलिजेंट होने की क्वालिटी एक से ज्यादा लोगों के पास है तो मैं एज अ टीचर क्या बोलूंगी कि समझो मान लो क्लास में तीन जो लोग हैं एक का नाम है पूजा एक का नाम है प्रवीण और एक का नाम है अंशुल ठीक है तो अब मैं अंशुल को ऐसा नहीं बोल सकती यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास है ना क्यों क्योंकि इस क्लास में प्रवीण और पूजा भी इंटेलिजेंट है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरे को बोलना होगा यू आर One of the most intelligent students in this class। यानी yani, इस क्लास में और भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनमें से तुम तुम्हे को समझा टाइप वन एंड टाइप टू में डिफरेंस टाइप वन में ये डिफरेंस है एक ग्रुप है उसमें एक ही बंदा सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला है मान लो ये क्लास है उसमें एक ही बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है बाकी सब एवरेज है तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट बट एक से ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मैं क्या बोलूंगी यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट तो यही डिफरेंस ठीक है।, है जैसे अगर मैं ताजमहल को बोलना चाहती हूं दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट है इसलिए सातवा अजूबा है तो क्या बोल सकती हूं ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट इन वर्ल्ड राइट अब इसी को अगर मैं लाल किला के साथ समझो लाल किला खूबसूरत है, है बट और भी मॉन्यूमेंट है जो उसके जितने खूबसूरत है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ लाल किला इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट तो ब्यूटीफुल सॉरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड तो यही डिफरेंस है टाइप वन एंड टाइप टू में ठीक है तो टाइप टू में क्या हो रहा होगा वन ऑफ द होगा और सुपरलेटिव डिग्री है वन ऑफ द होगा और अपना एग्जेक्टिव अपने थर्ड फॉर्म में होगा ठीक है गौर से सुनो फिर से बोल रही हूं टाइप टू में वन ऑफ द लिखा होगा और एग्जेक्टिव अपनी थर्ड फॉर्म में होगा कंपेरेटिव में क्या होगा तो तो अपने को पता ही एग्जेक्टिव अपनी थर्ड सेकेंड फॉर्म में होगा आगे देखो देन मैनी अदर लिखा होगा टाइप वन में एनी लिखा हुआ था टाइप वन में एनी लिखा था इधर पे बस मैनी इतना ही डिफरेंस है यार और कुछ नहीं है बेटर देन मैनी अदर और पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे अपने आंसर की शुरुआत वेरी फ्यू से करना टाइप वन में नो अदर से कर रहे थे ना टाइप टू में वेरी फ्यू से करना और एग्जेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म के आगे पीछे तो अब बोलने का मतलब क्या है आप बोलोगे टाइप वन टाइप टू का क्या झमेला यार ये क्या झमेला तो झमेला ये है कि अपना टाइप वन का अगर क्वेश्चन है जैसे कि अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो रहा है और आपको बोल रहा है आपको इसको सुपरलेटिव बनाना है तो आपको ये वाला लगाना है वन ऑफ द बेस्ट मत करना वो टाइप टू का रूल है ठीक है तो इसमें से अगर क्वेश्चन आया है तो कंपेटिव में आप ये वाला रूल फॉलो करोगे और सुपरलेटिव में ये करोगे ठीक है और अगर वेरी फ्यू से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो आप जब कंपेटिव में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला फॉलो करना और सुपरलेटिव में वन ऑफ द बेस्ट लगाना ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड सिटीज इन अमेरिका मतलब अमेरिका में और भी शहर है जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले है उसमें से एक न्यूयॉर्क है तो मैं कैसे बोलूंगी न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड सिटीज ठीक है इन अमेरिका अब इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री में मैंने देखी है वन ऑफ द लगा हुआ है यानी मेरा टाइप टू का है टाइप टू में पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत होती है वेरी फ्यू से तो मैं क्या करूंगी वेरी फ्यू सिटीज नो अदर करे तो गलत नो no अदर से शुरुआत करें गलत ठीक है तो ये इसलिए मैं आपको टाइप वन टाइप टू डिफ्रेंशिएट कर दी पहले ही तो वेरी फ्यू सिटीज इन अमेरिका वेरी फ्यू सिटी इन अमेरिका इज एग्जेक्टिफी फर्स्ट फॉर्म आगे पीछे बॉडी गार्ड समझा ये है अपना डिफरेंस बहुत सारे है एग्जाम्पल सचिन तेंडुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अपने रीड करे और पहचाने क्या रहे भाई है, तो टाइप टू का क्वेश्चन आया है इसको पॉजिटिव डिग्री में मेरे को कन्वर्ट करना है तो वेरी फ्यू से शुरू करूंगा कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है तो देन मैनी अदर लगाऊंगा ठीक है मोस्ट भी लगा सकते हो बट मैनी ही लगाना है इधर पे सचिन तेंडुलकर इज ग्रेटर देन मैनी अदर इन द क्रिकेटर इन द वर्ल्ड और पॉजिटिव के लिए वेरी फ्यू क्रिकेटर इन द वर्ल्ड आर सचिन तेंडुलकर ठीक है तो ये था अपना टाइप वन और टाइप टू का डिफरेंशिएटर राधिका इज द स्मार्टेस्ट गल इन द स्मार्टेस्ट सॉरी स्मार्टेस्ट आएगा और टाइप टू में लिखने के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ राधा इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना तो आपकी और दिमाग की बत्ती चलेगी रुक जाओ तो जो मैंने आपको जो दो टाइप बताई हूँ और जो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ था ना कि टाइप वन में क्या क्या होता है और टाइप टू में क्या क्या होता है तो टाइप वन का क्वेश्चन है तो ये सब एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए टाइप टू का है तो ये लोग एक दूसरे से हो ठीक है चलो तो अभी हम क्या करते हैं फटाफट से एक क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पीवाई क्यू में आपके आए हैं देखती हूँ कौन इसका आंसर देगा जो बच्चे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हैं नोट्स सोर्स बना रहे हैं लोग कर ले दे देंगे देखो क्या है इट इज द बिगेस्ट रिव्यू ऑफ द प्लैनेट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम कंपेरेटिव बिग पोयम से रिलेटेड जो भी चीज है आज लेट नाइट स्टडी होने वाली है रात के बारह बजे के बाद तो जो भी आप लोग को थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा बट चलता है भाई हम आ, हम हर साल लेट नाइट स्टडी करते हैं तो आज रात पोयम से रिलेटेड जो भी चीज है होने वाली है तो जो भी बच्चे रात भर जाके पढ़ते हैं वो लोग आना वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो वही चीज रिकॉर्ड होकर सुबह आपको अवेलेबल करा दी जाएगी यूट्यूब में तो देखो आपने सेंटेंस पढ़े आपने देखे ये द बिगेस्ट है ना यानी कौन सा है टाइप वन का है और टाइप वन में कंपेरेटिव में हम क्या करते हैं देन एनी अदर लगाते हैं तो चलो आ जाओ इट इज द बिगेस्ट रिव्यू इट इज द बिगेस्ट ऑफ़ कोर्स हट जाएगा इसके बदले में क्या आएगा सेकेंड फॉर्म ना इट इज बिगर कंपेरेटिव में सेकेंड फॉर्म लगती है फिर क्या लगता है देन एनी अदर हो गया आगे का पूरा लिख दो कॉपी पेस्ट रिव्यू ऑफ द प्लैनेट लाइफ सपोर्ट सिस्टम तो इंपॉर्टेंट यही था कि आप क्या करो इसको इसकी सेकंड फॉर्म में लेके आओ और अदर लगाओ समझा इट इज बिगर देन एनी अदर अब देखो ये वाला देखो इट इज द हॉटेस्ट ड्रग इन डाउन टाउन रिराइट द सेंटेंस बिगनिंग विथ नो अदर नो no अदर से शुरू हो रहा है अपन समझ गए ये अपना पॉजिटिव डिग्री वाला टाइप वन का क्वेश्चन है नो no अदर किसकी बात हो रही है ड्रग की ना नो अदर ड्रग इन डाउन टाउन इस पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा ये फिर फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो हॉट और आगे पीछे एज एज

कंपेरेटिव है वन ऑफ द वन ऑफ द है, यानी ये टाइप टू का क्वेश्चन है और टाइप टू के कंपेरेटिव में हम क्या करते हैं है। तो आ जाओ क्या करेंगे द गंगा इज लॉन्गर देन मैनी अदर रिवर्स इन इंडिया समझा तो टाइप टू का था इसलिए मैनी लगाई यहां टाइप वन था इसलिए एनी लगाई ये डिफरेंस है समझे टाइप वन और टाइप टू का पढ़ना जरूरी है वरना फिर गड़बड़ करो दो ये वाला करके बताओ 2016 में आया था फ्लड्स ऑफ नाइनटीन सेवेंटी एट वर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव तो ये टाइप वन का है क्योंकि वन ऑफ द ना हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री में करने के लिए अपन क्या करते टाइप वन में नो अदर से शुरू करते है ना किसकी बात हो रही है फ्लड की नो अदर फ्लड्स वर एग्जेक्टिव क्या है डिस्ट्रक्टिव एज डिस्ट्रक्टिव एज फिर ये द फ्लड ऑफ 1978 सेवेंटी एट ठीक है चलो बस लास्ट ये दो हजार बीस का ऑप्शन वाला मेरे को बता दो आप लोग सॉल्व कर टोक्यो इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस चूज करना है ए बी सी या डी कौन सा करेक्ट है सी ओके okay, सो so बहुत सारे बच्चे सी की तरफ बढ़ रहे हैं चलो देखते हैं पहले अपन देखेंगे टोक्यो इज द वर्ल्ड यानी टाइप वन का शुरू होगा तो वेरी फ्यू वाला गया गया है ना नो अदर से सेंटेंस शुरू होना चाहिए नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड इज एज पॉपुलर एज टोको नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड इज नहीं मोर पॉपुलर क्यों आ गया इसने कंपेरेटिव डिग्री डाल दिया इधर पे पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट फॉर्म रहेगा और आगे पीछे एजेंस रहेगा करेक्ट आंसर इज सी बिल्कुल सही जवाब इसी के साथ अपना डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला टॉपिक भी समाप्त होता है बस यही दो चीज याद रखो टाइप वन टाइप टू टाइप वन में पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होगा एग्जेक्टिव फर्स्ट फॉर्म में रहेगा आगे पीछे बॉडी गार्ड एज एस कंपेरेटिव डिग्री में सेकेंड फॉर्म रहेगी एग्जेक्टिव की और देन एनी अदर लगा होगा सुपरलेटिव में द के साथ एग्जेक्टिव की थर्ड फॉर्म देन टाइप टू टाइप टू में क्या होगा

चलो नौ बज गए थोड़ा टॉपिक और बाकी है मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाने का सोच रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता वो नॉट पॉसिबल वो तीन दिन लगता है वो टॉपिक पूरा पढ़ाने के लिए और उसको शॉर्ट में पढ़ा के मैं अगर पढ़ाऊंगी तो शायद आप फिर वो पढ़ने के बाद बाकी सारे जो हमने पढ़े वो भूल जाओ <laughs> ऐसा तो नहीं हो जाएगा मैंने आपको डिग्री कंपैरिजन पढ़ा और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ाई ना उसके चक्कर में आप पहले का सब भूल जाओगे तो आई थिंक आई शुड स्किप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वाला टॉपिक कोई बात नहीं चलो अब ये चिंदी वाला टॉपिक फटाफट कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना लिख दो इनफिनिटिव एंड जैर एकदम चिंदी है महाचिंदी मजा आ जाएगा सुन के नाम एकदम खतरनाक है, है एकदम चिंदी इन्फिनेटिव इज नथिंग बट टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओके बताऊंगी क्या करना है जैर क्या है इज नथिंग बट इसका नाम ऐसा है जैसे पता नहीं क्या तोप है बट बिचारा ना गरीब है ये वो ही है वो आपकी आई एन जी फॉर्म यानी कि अगर आपके एग्जाम में बोल रहा है कि इन्फिनिटिव लगाओ जैसे मैं यहां पे लिखूंगी शी लव्स रीडिंग ठीक है ये एक सेंटेंस है। और ये दोनों एक दूसरे से रिप्लेस होते तो ये एक सेंटेंस है कि उसको पढ़ना पसंद है शी लव रीडिंग और आपके एग्जाम में आ रहा है कि यहाँ पे ना इंफिनेटिव लगाओ इन्फिनेटिव तो आपको क्या करना है पता है आपके सेंटेंस में जो भी वर्ड अपनी आईएनजी फॉर्म में लगा हुआ है ना उसको हटाओ और क्या करो टू लगाओ और उसका फर्स्ट फॉर्म यानी टू रीड बस शी लव टू रीड ये आपका आंसर रहेगा इतना चिंदी है समझे तो देखो मैं आपको बताती हूं इनफिनिटिव क्या है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू स्पीक टू वर्क टू डू टू डांस टू प्ले और जेरेंट क्या है नथिंग बट द वर्ब की आई एनजी फॉर्म तो टू स्पीक क्या बन जाएगा स्पीकिंग टू वर्क वर्किंग टू डू डूइंग टू डांस डांसिंग टू प्ले प्लेइंग ओके तो अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन लगाई कितना चिंदी देखो आ चुका ये पिछले साल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर इंसेक्ट्स हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड द द ऑफ डिस्गाइज टू एस्केप फ्रॉम इंसेक्स तो खतरनाक क्वेश्चन दिए और है इन्फिनेटिव लगाओ इन सॉरी जैरन लगाओ इन्फिनेटिव हटा के है ना तो आप क्या करोगे टू एस्केप है इसको एस्केपिंग कर दो खत्म कहानी बाकी पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा डी अडॉप्टेड द टेक्टिक ऑफ डिस्गज और फ्रॉम दलचेस ऑफ द प्रिडक्टर्स आप यहां पर फॉर भी लगा सकते हो फॉर मोर करेक्ट इंग्लिश बट एक मार्क्स के लिए चल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ही वर्क हार्ड बिल्डिंग अ बेटर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इन्फिनेटिव लगाओ इंफिनेटिव में हम क्या करते हैं टू और बिल्डिंग का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू बिल्ड तो क्या आंसर बनेगा ही वर्क हार्ड टू बिल्ड अ बेटर कंज्यूमर इलेक्ट्रेशन डेट सेट समझ में आ गया तो ये है अपना इंफिनेटिव और जैरुन एकदम चिंती है कुछ टफ नहीं है इसमें देखो ऐसा पीवाई पी क्यूज है जो पिछले साल आए हैं जैरुन और इन्फिनेटिव वाले फटाफट दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते इट ऑफर्स टूल्स फॉर मैनेजिंग द एनवायरमेंट अच्छा है कि लोग करके भी दे रहे। infinitive लगाओ। तो क्या कर for managing क्या कर देंगे? बन जाएगा? To manage. इतना चिंदी है ना बताओ जल्दी है कि नहीं वॉट इज टू डू इट जेरुण टू डू हटा जेड ने तो आई एन कर देगा वॉट इज द बेस्ट वे डूइंग इट ठीक है मिलियन ऑफ पीपल स्पेंड एवरी डे फीडिंग करो फीडिंग कट हो गया यहाँ पे आ जाएगा टू फीड बहुत चिंदी है इसको ज्यादा नहीं बढ़ाते ठीक है ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन जो आपके पीवा में ऐसी ऑलरेडी आ हैं ऐसी मजेदार ठीक है डेवलपिंग हो जाएगा टू डेवलप सेइंग हो जाएगा टू से टू वेंडर इन्फिनेटिव सॉरी है तो वेंडरिंग टू रीड लॉट इज एसेंशियल रीडिंग लॉट इज एसेंशियल वेकिंग टू वेक समझे बिल्डिंग टू बिल्ड हो गया Easy है ना हो गया ना फटाफट चलो अपना ऑलमोस्ट आज का लास्ट का टॉपिक है आज के ग्रामर के मैराथन का लास्ट टॉपिक लास्ट फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक चाहिए क्या आप लोगों को चलो एक काम करते पांच मिनट का ब्रेक ले लेते फिर ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है रिमूव एन एंड वर्ड्स यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे वर्ड आपको लगाने के लिए बोलते हैं जैसे कि नो सुनर देन नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑल दो दो एस ना इधर इधर ठीक है तो ये सारे शब्द का अपने को इस्तेमाल करना आना चाहिए एक सेंटेंस में अनलेस है ना अनलेस वाला भी आता है तो ये सब अभी सीखेंगे, पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं माइंड को थोड़ा शांत कर लो आप लोग भी ओके और फिर ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और अपना आज का ग्रामर का मैराथन डन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल यार कि आप लोग टिके हुए पाँच हजार से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए थे आठ सौ बच्चे चले गए बट साढ़े चार हजार तीन सौ बच्चे अभी तक टिके हुए एंड जितने भी बच्चे यहाँ पे सेशन छह बजे से देख रहे हैं यार लव यू ऑल लव यू सही में यही बोलते हैं ना चलो ठीक है अपने एंड में पढ़े मतलब पूरा साल पढ़े नहीं पढ़े लेकिन एंड में कोशिश कर रहे हो टिके हुए हो जुनून है पूरा है कर लोगे ठीक है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी ना हो ना उम्मीद ना अपना इरादा बदल तेरी ये कोशिश ही तेरी तकदीर बदलेगी कोशिश करेगा ठीक है बाकी का भगवान देख लेगा गॉड अल्लाह देख लेगा चलो हैव मिनट ब्रेक और फिर फटाफट हम ये वाला टॉपिक एकदम एनर्जी के साथ करेंगे अभी बज रहे हैं कितने कुछ बच्चे को तो कुछ बच्चे बोले नहीं ब्रेक नहीं चाहिए लगता है लोग अभी अभी आए हैं चलो पांच मिनट बैठ जाओ थोड़ा Thank <sweak> you. <sweak> ओके okay, सो so yes, time ब्रेक टाइम इज ओवर वंस अगेन एंड have हैव last टॉपिक ऑफ our today's ग्रामर मैराथन सेशन फटाफट कंप्लीट करते आ जाओ सब पी के सभी सिपाहियों ग्रामर मैराथन पे कर रहे हैं वार चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आज का अपना सबसे पहला ग्रामर का जो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो एकदम चिंदी है इसमें कोई टफ चीज नहीं है पहला क्या है इसका मीनिंग है ये नहीं वो भी मतलब सिर्फ ये ही नहीं बल्कि वो भी राइट जैसे कि मैं एक यहाँ पे सेंटेंस आपके सामने लिखी क्या रतन टाटा अमीर ही नहीं बल्कि दयालु भी है कैसे इसको लिख सकती हूं मैं इंग्लिश में रतन टाटा इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो काइंड तो ये सेंटेंस आपको कैसे बनाने होते हैं आपके सेंटेंस में दो अलग अलग बातें लिखी होगी कोर्स, है ना कि वो इसमें क्या दो बात लिखी है कि रतन टाटा अमीर और दयालु तो अमीर से पहले नॉट ओनली दयालु से पहले बटोल्सो ठीक है जो भी दो बात लिखी है ना तो पहली बात क्या है अमीर उससे पहले क्या लगाएंगे नॉट ओनली और फिर दूसरी बात क्या थी दयालु काइंड उससे पहले आएगा बटोल्सो तो बहुत सारे ऐसे शब्द है जो नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिप्लेस होते हैं जैसे कि सिंपल सा अपना एंड मैं उसको ऐसे भी तो बोल सकती थी रतन टाटा इज रिच एंड काइंड एक ही बात होती ना रतन टाटा इज रिच एंड काइंड ऐसा बोल सकती थी रतन टाटा इज रिच एज वेल एज काइंड बोलने का मतलब एक है लिखने का तरीका अलग है वो इसी है इधर पे तो आपको क्या याद रखना है आपके एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको रिप्लेस करने आना चाहिए राइट जैसे कि यहाँ पे क्या एक सेंटेंस लिखा है शी इज ब्यूटिफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट तो स एज वेल एज हटाओगे तो ही तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाओगे तो यहां पे दो कौन सी बात है कि वो ब्यूटीफुल है और इंटेलिजेंट है तो ब्यूटीफुल से पहले नॉट ओनली इंटेलिजेंट से पहले बट ऑल्सो बाकी सब कुछ सेम यानी क्या शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट चिंधिया है ना चलो आ जाओ फटाफट अभी अपन क्या करते हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते पूजा इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल इसको क्या करेंगे फटाफट सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाओ दो जो भी बात लिखी है ना पहली बात क्या है स्मार्ट तो स्मार्ट से पहले नॉट ओनली लगाएंगे एंड हटा एंड well हटाएंगे तो ही नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाए और दूसरा है हार्ड तो इसका आंसर क्या बनेगा पूजा इज कितने बच्चे ये गलती करते हैं? पहले नॉट ओनली लिख देते हैं, नॉट ओनली पूजा इज स्मार्ट बट नहीं नहीं वो गलत फॉर्मेट पहले ये लिखो पूजा इज फिर दूसरी क्या बात थी नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑलो और फिर दूसरी बात ठीक है हार्ड वर्किंग गर्ल फिर क्या है ही लाइक्स पिज्जा ही लाइक्स करेला दो अलग अलग सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ लगे हुए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दो बार लाइक है ना तो जैसे वो मैथ्स में नहीं होता दो सेम चीजें इक्वल के साथ तो काट दिए हो गया तो यहाँ पे इसको एक कर देंगे बार बार दो लाइक लगाने की जरूरत नहीं है ना तो दो बात क्या कि उसको पिज्जा पसंद है उसको करेला पसंद है है ना तो यहां पे मैं कैसे बोल सकती हूं ही लाइक्स और दो चीज कौन सी है एक है पिज्जा और दूसरी है करेला तो ही लाइक्स नॉट ओनली पिज्जा बट ऑल्सो करेला करेला <laughs> मतलब बताया जा रहा है कि वो जंक फूड के साथ होममेड घर का खाना भी है। अब दूसरा देखो दे सॉ टेरर एंड हॉरर तो क्या होगा दे सॉ एंड हट गया नॉट ओनली टेरर बट ऑल्सो हॉरर दे सॉ नॉट ओनली टेरर बट ऑल्सो हॉरर ठीक है दूसरा सेंटेंस देखो क्या है अब यहाँ पे दो एक्शन है कि एक बंदा है जो दो अलग अलग काम किया अनु ने अपने दोस्तों को चिढ़ाया और फिर क्लास से बाहर निकल गया मतलब दो एक्शन पहले उसने अपने दोस्तों को चिढ़ाया और उसके बाद क्लास के बाहर निकल गया तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे बस दो वर्ड थे यहाँ पे दो एक्शन है तो पहला एक्शन क्या है मॉकड हिस्स फ्रेंड और दूसरा एक्शन है केम आउट ऑफ क्लास तो क्या करेंगे अनु नॉट ओनली मॉक्ड हिज फ्रेंड एंड हटाके बट ऑल्सो केम आउट ऑफ द क्लास अब यहां पे देखो क्या है फिजा सेंग वेल डॉट मतलब फुल स्टॉप शी डांस ग्रेसफुली यहाँ पे भी क्या है एक लड़की है जो दो अलग अलग काम करी है उसने गाना गाई और उसने डांस करी है ना मतलब अच्छा गाना गाई और अच्छा डांस करी तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे फीज़ा एक ही लड़की है और ये शी भी उसके लिए इस्तेमाल किया गया है तो अपन क्या करेगे फिजा दो काम करी ना उसने क्या करी एक है अच्छा गाई और दूसरा है अच्छा डांस करी तो एक काम से पहले नॉट ओनली फीज़ा नॉट ओनली वेल और दूसरा काम क्या था बट ऑल्सो डांस ग्रेसफुली है ना समझ गया अब लास्ट सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी है ये बला बस एक बार देख लो अब यहां पे क्या हो रहा है एक इंसान नहीं है जो काम कर रहा है यहाँ पे तो सब एक इंसान थे ये पूजा के बारे में दो बात बोल रहे हैं वो लड़का है जो करेला और ये मतलब दो अलग अलग चीज थी काम एक ही इंसान कर रहा था अब यहाँ पे क्या है काम एक ही हो रहा है हंसने का और वो काम दो लोग कर रहे हैं जैसे कि अनिकेत एंड हिज सिस्टर्स वर लाफिंग तो काम एक है और कर रहे है दो लोग तो जब भी ऐसी सिचुएशन आई ना तो नॉट ओनली आप पहले लगाओगे यानी आपके सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से होगी तो आप क्या लिखोगे नॉट ओनली अनिकेत बट ऑल्सो ही सिस्टर्स बट ऑल्सो ही सिस्टर्स वर लाफिंग तो अब कोई चीज हो कोई काम हो या कोई दो क्वालिटी हो वो मैटर करेगा बस दो होना चाहिए एक के पहले नॉट ओनली दूसरे के पहले बट ऑल्सो यहाँ पे मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो पहले क्यों लगाई देख लो नॉट ओनली पहले इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे काम जो है वो एक हो रहा है हंसने का काम एक है दो लोग कौन है दो ये है एक है अनिकेत और एक है उसकी सिस्टर्स तो अनिकेत के पहले नॉट ओनली और सिस्टर के पहले बट ऑल्सो समझा तो अपने सेंटेंस में देखना कि दो अलग चीज क्या है उसके साथ आप नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाओगे चलो आगे बढ़ते हैं अब दूसरा अपना है एज वेल एज अफकोर्स इसका मतलब क्या होता है साथ ही साथ जिसका सेम मीनिंग है जब हम कोई दो बात बोलते हैं तो उसको जोड़ने के लिए कंटिन्यूएशन में फ्लो फ्लो में बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं रतन टाटा इज रिच एज वेल एज काइंड है ना तो रतन टाटा क्या है अमीर है अमीर साथ ही साथ दयालु है राइट तो रिप्लेस हो जाता है उतना इजी चाहे क्वेश्चन सोल्व करते हुए देख लेंगे अब आता है नेक्स्ट टॉपिक नीदर एंड नॉर यही सब टॉपिक आपको स्पॉट दरअर में आएंगे ये सब क्लियर होगा तो ये तो स्पॉट दरअर करोगे ना देखो नाइदर एंड नॉर इसका मतलब क्या होता है ना ही ये ना ही वो राजू ना अमीर है ना ही दयालु है तो ये जो राजू बंदा है इस नीदर रिच नॉर काइंड मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं तो यही सेम चीज हम क्या करेंगे एक सेंटेंस में देखें कि दो अलग बात क्या है यहां पे दो अलग बात क्या है एक है अमीर होना और दूसरा है दयालु होना जो कि दोनों क्वालिटी में नहीं है तो अपन कैसे बोल सकते हैं अमीर से पहले नीदर लगाएंगे और दूसरी जो क्वालिटी थी उससे पहले नॉर लगाएगा राइट सो राजू इज नीदर रिच नॉर काइंड ईदर और का मतलब क्या होता है या तो ये या तो वो दो ऑप्शन आपके पास है उसमें से एक चूज करना है दोनों नहीं चूज कर सकते तो इधर और जैसे कि राहुल या तो सैड है या टेंशन में है मतलब तो राहुल को अपन ने देखे बोले कि भाई या तो ये टेंशन में या तो उदास है क्योंकि इसका मूड एक कैसा रहा तो अपन कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे भी दो बात है एक है सैड होना और एक है टेंशन होना तो सैड से पहले आ जाएगा इधर और टेंशन से पहले आ जाएगा और तो राहुल इज आइदर सैड और टेंशन या और टेंड टेंड भी लिख सकते हो आप ठीक है अभी क्वेश्चन सॉल्व तो हो सोल्व करो सुनर देखो नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज सब ने देख लिए अब ना अपना नेक्स्ट टॉपिक है नो सूनर डॉट 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 देन इसका मतलब क्या होता है एक मिनट ना थोड़ा लैग हुआ शेयर चलो आ जाओ नो सूनर देन सीखते फटाफट से नो सूनर देन सीखते फटाफट से तो नो सूनर देन इसका मतलब क्या होता है जैसे ही कोई काम हुआ गौर से सुनो नो सूनर का मतलब क्या जैसे ही कोई काम हुआ उसी के बाद कुछ दूसरा काम हो गया देन जैसे कि मैं बोलूंगी जैसे ही मैंने ये खाना खाई मतलब नो सूनर पहले मैं क्या करूंगी दो बात बोलूंगी ना मतलब पहले ये काम हुआ और उसी के जस्ट बाद दूसरा काम हुआ ठीक है तो पहले काम को बोलने से पहले मैं नो सूनर लगाऊंगी और जो दूसरा काम हुआ इसी के जस्ट बाद उससे पहले मैं लगाऊंगी देन ठीक है नो सूनर देन तो देखो क्या होता है जैसे ही उसी वक्त हाँ देखिए एग्जाम्पल देती हूँ जैसे ही मैंने खाना खाई रुको दो काम हुआ ठीक है और ये दोनों काम एक दूसरे से रिलेटेड है जैसे कि मैं बोलूंगी जैसे ही मैंने खाना खाई उसी के जज्बात क्या हो गया मैं बीमार पड़ गई है ना तो पहला काम क्या हुआ खाना खाना और दूसरा क्या हो गया बीमार पड़ना राइट right? तो ऐसा कोई भी जब जब होता है ना नेक्स्ट इंसिडेंट पहला इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट को लीड करता है तो अपन क्या लगाते हैं नो सुनर देन का कर इस्तेमाल करते हैं जिसको रिप्लेस करके आप जिसका रिप्लेस करके हो रहा है क्या ज्यादा लैग हो रहा है आवाज आ रही है क्या आप लोग को मेरी क्लियर जिसका रिप्लेस हम एज एज से कर सकते जैसे कि और बट ऑल्सो मीनिंग सेम है ना वैसे ही एज सुन एज एंड नो सूनर मीनिंग सेम है एक दूसरे से रिप्लेस होता है ठीक है तो यहाँ पे आप सेंटेंस रीड करो जल्दी से एज फेल्ट फेल्टिक अब इसको आपको नो सुनर देन में करने के लिए बोल रहे हैं नो सुनर देन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं ना तो आपका फॉर्मूला याद कर, रखो क्या है फॉर्मूला क्या है सबसे पहले आप अपने सेंटेंस की शुरुआत करोगे नो सुनर लिख के चुपचाप बैठ जाना उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे जो भी आपके सेंटेंस में दिया होगा अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू do, डस डिड लगाएंगे ठीक है फिर बचा कुचा जो भी आपका जो पहला इंसिडेंट है ना वो लिखना फिर देन लगाना और आपके सेंटेंस में जो दूसरा इंसिडेंट है वो उसके बाद लिखना समझा तो नो सुनर देन को बनाने का ये फॉर्मूला है नो सुनर, helping verb, पहला इंसिडेंट इंसिडेंट दूसरा ठीक है चलो आ जाओ बनाते जैसे कि ये ये वाला सेंटेंस इधर पे लिखा है ना कि जैसे ही टाइफ सिक मैं क्या करूंगी यहाँ पे लिख दी नो सुनर इस सेंटेंस में मेरा हेल्पिंग ऑफ दिया हुआ है बिल्कुल दिया हुआ है हेड है ना तो मेरा आएगा इधर हेड पहला सेंटेंस क्या था खाने वाला आई इटन इट फिर क्या लगाते हैं देन और दूसरा काम क्या हुआ बीमार होना तो आगे लिख दूंगी आई फेल सिक ठीक है तो ये रहेगा नो आई इट देन सुनर सिक आपको एक क्वेश्चन देती हूँ सॉल्व करके बताओ पीवाई वाई क्यू में तो करेगा बस फॉर्मूला याद रखो एक मिनट अनलेस वनलेस वाले भी करने के ये वाला सॉल्व करके बताओ जरा ये क्वेश्चन है आपके सामने एस सुन एस ही जैसे ही उसको कुछरस खतरनाक चीज सेंस हुई वो गायब हो गया इसको आपको एग्जाम में बोल रहा है कि भाई नो सुनर देन लगाओ क्या करोगे आप लोग जो फॉर्मूला बताई उसके हिसाब से बनाओ क्या करोगे जल्दी बताओ वॉट विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन एस सुन एस ही सेंस डेंजर ही फ्लड इसका आंसर क्या करोगे नो no सुनर देन में बिल्कुल लेखो बच्चों ने करेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर दी तो सेंटेंस की शुरुआत में फिर लिख देंगे। नो सुनर उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या नहीं है पर सेंटेंस पास्ट में है तो डू डस डिड में से क्या लगेगा डिड पहला काम क्या हुआ एस टू नेस तो हट हट जाएगा यार वो उसका रिप्लेसमेंट है ठीक है पहला काम क्या है ही सेंस डेंजर तो यहाँ पे क्या आएगा ही सेंस डेंजर दूसरा काम क्या हुआ ही फ्लेड तो देन लगा के दूसरा काम लिखेंगे ही फ्लेड समझा नो सूनर डिड ही सेंस डेंजर देन ही फ्लेड इजी है नो सुनर हेल्पिंग वर्ब पहला काम देन दूसरा काम चलो आगे बढ़ते पीवाई को सॉल्व करके डोंट वरी एस सुनस का मतलब वही होता है जैसे ही उसी वक्त अनलेस का मतलब क्या होता है गौर से सुन लो अनलेस का मतलब होता है जब तक ये नहीं होता यानी अनलेस खुद में एक नेगेटिव है यस yes. ये दिखने में आपको नहीं लगेगा मतलब ये सेंटेंस कहीं पे भी आपके ये वर्ड कहीं पे भी आपके सेंटेंस में आ रहा है मतलब उसका कहने का मतलब क्या है जब तक ये नहीं होता तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये वाला मेरा सेंटेंस है ना क्या है अनलेस यू लीव नाउ क्या लिखा हुआ इधर पे अनलेस यू लीव नाउ इसका मतलब क्या है जब तक ये नहीं होता क्या होने की बात हो रही है जब तक तुम यहां से नहीं जाते तो यहाँ पे नॉट लगावा नहीं है क्यों क्योंकि अनलेस खुद में एक नेगेटिव है ठीक है तो अनलेस यू लीव नाउ इसका मतलब क्या है हिंदी में जब तक तुम यहां से नहीं जाते क्या हो जाएगा उसके बाद यू विल मिस द ट्रेन तुम अपनी ट्रेन मिस कर दोगे समझे तो इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा अगर आपके एग्जाम में आया रिमूव अनलेस एंड मेक द सेम सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग तो आपको क्या करना होगा मैं उसको ऐसा बोल सकती हूँ ना अगर तुम यहां से नहीं जाओगे अगर यानी इफ अपनी मदद कर सकता है तो इफ के साथ नॉट लगा के अपन अनलेस को हटा सकते हैं और वही सेम सेंटेंस का बिना मीनिंग चेंज करे अपन सेंटेंस लिख सकते हैं यानी मैं सिंपल भाषा में ये बोलना चाहती हूं जैसे कि इज इक्वल टू नो देन राइट एज वेल एज इज इक्वल टू नॉट ओनली बट ऑल्सो राइट उसी तरीके से तरीके से अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट समझा चलो तो यहां पे देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है इफ यू कीप फिंगरिंग इट क्या हो जाएगा अगर तुम ये करते रहे तो क्या हो जाएगा यू विल मेक योर होल चेन इन टू वन बिग स्पॉट अगर तुमने अपने फेस में उंगली करते रहे तो भाई वो जो छोटी सी फोड़ी है वो बड़ी बन जाएगी है ना नहीं सॉरी ये वाला नहीं इसको हटा दो ये आपके एग्जाम में नहीं आता ये वाला आता ये वाला टाइप। नॉट इफ यू कांट क्या इफ यू कांट हम्म कॉमा इधर पे चल रही है ना वीडियो लैग तो नहीं हो रहा है एक मिनट ठीक है तो यहां पर देखो क्या है इफ है और नॉट लगा हुआ है और अपने को एग्जाम में आया यूज अनलेस तो अपन क्या करेंगे अनलेस इस्तेमाल करेंगे राइट और अपने सेंटेंस से इफ हट जाएगा नॉट हट जाएगा तो क्या क्या बचा फिर इफ हट गया और नॉट हट गया तो क्या बचा अनलेस यू कैन यू नीड हेल्प तो बस आपको ये चीज याद रखनी है इफ का रिप्लेसमेंट क्या है इफ नॉट ये रीड कर लो आप लोग ठीक है अब लास्ट है अपना ऑल दो एंड दो डेट सिट आ जाओ ये एकदम चिंदी सा है ऑल दो एंड दो का मतलब क्या होता है हालांकि ठीक है इसका मतलब क्या होता है हालांकि तो कोई भी ऐसा सेंटेंस हम जो लिखते हैं कि शी स्कोर्ड रियली गुड ठीक है उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाई लेकिन उसने दो दिन पहले पढ़ाई करी थी सिर्फ बट शी हैड ओनली स्टार्टेड स्टडिंग टू डेज बिफोर ठीक है ये एक सेंटेंस है और अभी ना आपको बोल रहा है आपके एग्जाम में कि भाई यहाँ पे दो लगाओ या ऑल दो लगाओ तो एकदम महान चिंदी और इजी इसका बनने वाला है क्या करोगे सेंटेंस के शुरुआत में लिख देना ऑल दो अगर ऑल दो है तो दो बोला है तो दो लग और आपके सेंटेंस में जो भी कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है जो आपके दो सेंटेंस को जोड़ रहा है जैसे कि ये सेंटेंस है कि उसने अच्छा मार्क्स लाई और दूसरा सेंटेंस है कि वो दो दिन पहले पढ़ी थी कोऑर्डिनेटर कौन है बट है ना कोऑर्डिनेटर कौन कौन होते हैं यार फैन एफ स्टैंड फॉर फॉर एंड नॉर बट और येट सो तो ये सारे वर्ड को हटा देना और इसकी जगह बस कॉमा लगा देना यही है इसका रूल तो इसका आंसर क्या बनेगा ऑल दो शी स्कोर्ड रियली गुड कॉमा शी है ऑल दो एंड दो का ठीक है चलो अभी अपन फटाफट जाते हैं और ये सॉल्व करते हैं थोड़े पीवाई क्यू कर लेते हैं आज का लास्ट सेशन है एकदम इजी है ना चलो आ जाओ लाइक कर दो सेशन को बस नौ हजार दो सौ बच्चों ने इस सेशन को लाइक किए है अगर दस हजार हो गया तो भाई आपकी मैम बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी तो बस कर दो यार बहुत ज्यादा खुशी एंड अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत और जो चीज कर रहे हैं बच्चों के लिए वो उनको पसंद आ रही है सो so, चलो आ जाओ अभी जो भी अपन ने नोट पढ़े है ना रिमूव एन एडवर्ड्स के उसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते थोड़े थोड़े दे आर टीचिंग अस न्यू फैक्ट्स अबाउट द सन एंड द स्टार्स पे दो बात क्या है पढ़ा रहे वो तो कॉमन है क्या पढ़ा रहे एक है सन के बारे में और एक है स्टार के बारे में है ना तो इसका आंसर क्या बनेगा दे आर टीचिंग अस न्यू फैक्ट अबाउट आप पहले भी लिख सकते हो नॉट ओनली के बाउट दोनों में चलेगा नॉट ओनली अबाउट द सन ऑल्सो स्टार दूसरा क्या है बट ऑल्सो स्टार ठीक है तो ये देखो दो हजार नौ में आया था इट आइडेंटिफाइज द चेंजेस इन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी दो चीज क्या है इंस्टीट्यूशन और एंड और पॉलिसी तो इट आइडेंटिफाइज द चेंजेस नॉट ओनली इन इंस्टीट्यूशन बट आल्सो इन पॉलिसीज मेरे को लगता है इसको अपने को स्किप करना चाहिए मतलब ये इजी है है ना नॉट ओनली बट आल्सो तो आप लोग भी कर लोगे मेरे को भी पता है ये सारे क्वेश्चन है दो हजार अठारह उन्नीस बीस इक्कीस हर साल नॉट ओनली बट ऑल्सो क्वेश्चन आया है आ, ये कहा गया एज वेल एज ही हैड लर्न इन ग्रीन एज वेल एज लैटिन टू रीड द क्लासेस इन ओरिजिनल दिस मैथड आर टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज पेनफुल बहुत ईजी है अडेंट अमेलेशन ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज पीपल ठीक है एज वेल well well एजी है नीदर और का आया है देखो बहुत कम आया है, तीन बार ही आया आज तक देर आर नो लिक्वर दो बात कौन सी है नो लिक्वर एंड टेबेको तो क्या बनेगा देर आर नीदर लिक्वर नोर टेबेको शॉप इन दिलेज दे है दे हैव नीदर सीन अ सनराइज नॉर मेट द milkman. देर वॉज नीदर इलेक्ट्रिसिटी नॉर प्रेमरी प्राइमरी स्कूल तीन बार ये आया आज तक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चलो तो नो सूनर देन मेन है बहुत बार आता है आपके एग्जाम में इसको सॉल्व करके कौन बताएगा एस as एस द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री wind swept it अवे नो no sooner देन चलो as soon as हट गया उसके बदले में आ गया no sooner helping verb helping verb और नहीं है भाई सेंटेंस अपना फॉल फेल यानी सेकंड फॉर्म पास्ट है तो यहाँ पे लगा दी मैंने डिड पहली बात क्या थी द लीफ द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री नो सूनर डिड द लीफ फेल आएगा क्या फॉल फॉल आएगा डिड आ गया ना फ्रॉम द ट्री ये पहली बात हो गई अब दूसरी बात बोलने से पहले देन लगाएंगे कॉमा माउमा मत लगाना विंड the बात वैन आई सो दाइज आई वॉज टूपीफाइड तो वैन भी वही काम करता है जो एस एस करता है राइट जब ऐसा हुआ तो जब वैन तो so यहाँ पे भी क्या कर दूंगी वैन हटा के लगा दूंगी नो no. है क्या हेल्पिंग वही सेंटेंस क्या है पास्ट तो डिड नो सुनर डिड आई सी द प्राइजेस पहली बात दूसरी बात क्या है आई वॉज टूपीफाइड वो बोलने से पहले लगाए गए और फिर बोलेंगे आई वॉज टू बहुत ज्यादा ये वाला हाथ मेरा बहुत ज्यादा दुख रहा है ऐसा थोड़ा भी ऊपर भी नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है ये वाला सॉल्व करके बताओ वेन द पेडी इज राइफ इनफ टू हार्वेस्ट फ्लॉक ऑफ पेरोट वुड लैंड देर बताओ लैग हो रहा है इन द सेंस कैसे लैग हो रहा है नहीं नहीं वो सब एक साथ आ जाएगी उसका टेंशन मत लो वो सब स्ट्रीम जो है पहले की ना जो छुट्टी है वो आ जाएगी उसका टेंशन मत लो इसका मेरे को बता दो वेन द पेडी इज राइप इनफ टू हार्वेस्ट फ्लॉक ऑफ पेरोट पैरोस लैंड देर तो वैन हट गया उसकी जगह क्या आया नो सुनर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए गए डू डस डिड इज मत लगाना क्योंकि यहाँ पे सूट नहीं करेगा इसका बता दो चलो 2017 में आया था और 2021 में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दे दस बज गए यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा <laughs> मेरा ये वाला हाथ हो जाएगा हो जाएगा थोड़ा ब्रेक ले गए एज एज द किंग ड्राइव इन द कोर्ट हमिंग अप्पी ट्यून टू हिमसेल्फ ही हिमसेल्फर्ड ट्रोट नो सुनर देन का बता दो जल्दी मेरा ये वाला हाथ नहीं उठ रहा है सच में अब हो जाएगा एस सुन एस हट गया नो आया हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है नो no सुनर के बाद सेंटेंस पास में है डिड लगाए द किंग अराइव इन द कोर्ट हमिंग हैप्पी ट्यून जब तक एक सेंटेंस आपका खत्म नहीं होता है देन मत लगाना आपको कैसे पता चलेगा देखो कॉमा लगा हुआ है ये हटा के आप देन लगाओ एंड ही क्लियर ठीक है चलो अब मेको लगता है समझ में आ गया होगा अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्या है अपना नो सुनर तो हो गया हाँ अनलेस का एक बार कर लेते अनलेस If we don't seize it, it is a curtain for our earthling. Use unless. तो so, अपने को पता है, if plus not is equal to unless, right? तो so, अपने को अगर unless लगाना है, तो sentence में से if और not हटाना पड़ेगा. तो so, unless लगा रहे, if हटाएंगे और do not में से not हटाएंगे. तो so, क्या answer बनेगा? Unless we do seize it भी लिख दोगे तो चल जाएगा. अनलेस वी डू सीज या सिर्फ सीज इट लिखोगे तो भी चलेगा इट इज अर्टेन फॉर अर्स अर्थलिंग यहां पर भी वो ये देखो इफ है और नेगेटिव है तो so इफ हटा दो नॉट हटा दो और उसके बदले में क्या लगा दो अनलेस इफ यू हैव फाउंड इट You keep लुकिंग ठीक है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे बोर्ड एग्जाम में अनलेस के नो सुनर देन के एकदम इजी रहेगा समझ में आ गया एस सुन एस का भी वही कहानी रहेगी बस यहीं पे खत्म हो जाता ऑल दो का भूल गया ऑल दो भी एक बार कर लेते लास्ट ही वॉज स्टिल लैगिंग बिहाइंड एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग बट इट वॉज ओके तो क्या करेगे चिंदिसा सेंटेंस के पहले लगा में बट को हटा देगा उसके बदले में कॉमा आ जाएगा सेंटेंस के पहले आ गया ऑल्डो येगा इधर से येट और इधर पे कॉमा आ जाएगा ही वॉज स्टिल लैगिंग बिहाइंड अच्छा दो क्वेश्चन है ठीक है शी फेल टेरिबल अबाउट देंडेंसी ऑल दो शी फेल टेरिबल अबाउट देंडेंसी बट को हटा के कॉमा समझ में आ गया क्या ऐसी है ठीक है चलो इसी के साथ आई होप आज का ग्रामर का मैराथन आप सबको हेल्पफुल रहा होगा एंड 10 बजने आ चुके हैं 6 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं आई कॉन्ट बिलीव कि 4 घंटे हो गए सीरियसली शायद साढ़े छह बजे स्टार्ट किए थे बट uh, कोई बात नहीं मैंने एक एक चीज़ को एकदम दिल से शिद्दत से डिटेल में पढ़ाई हूँ और क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए पी वाई क्यू भी सोल्व करे तो क्वालिटी स्टडी हुई है uh, तो जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देखेगा आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देखोगे ना तो ज़्यादा आपका हो जाएगा कोई इशू नहीं है तो जो भी बच्चे यहाँ तक टिके हैं फाइनली फाइनली हमने अपना ग्रामर का मैराथन सक्सेसफुली डन करे क्वालिटी मतलब एकदम ऐसा भगा भगा के सिर्फ समझा समझा के हमने नहीं किए क्या हो गया अपना सॉल्यूशन भी हो गया यानी जो प्रैक्टिस का काम आप मैराथन के बाद करते वो आपने इसी सेशन के अंदर कर लिया यानी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है ठीक है सो so ग्रेट बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे थे और बहुत मजा आया आज की ग्रामर के सेशन में अभी क्या होने वाला है लेट नाइट स्टडी होगी रात के 12 बजे के बाद आपको शेड्यूल मिल जाएगा uh, मेरा व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाओ ठीक है इस डिस्क्रिप्शन में है वहां पे मैं डाल दूंगी आज रात लेट नाइट स्टडी कितने बजे होने वाली है देखो जो बच्चे प्लीज जल्दी सो जाते हैं आप जल्दी सो जाओ प्लीज आप मत अपना शेड्यूल खराब करना पहले ही बोल रही हूँ आप सुबह उठ के रिकॉर्डिंग देख लेना सो पोएम से रिलेटेड सारी चीज करवाने वाली हूँ मतलब पूरी की पूरी फेवर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करवाने वाली हूँ एप्रिसिएशन की नोट्स कराऊंगी और सारी की सारी पोएम को आपको क्विक रिविजन करवाने वाली हूँ आज रात में और कल दोपहर तीन बजे चैप्टर राइटिंग स्किल और नॉवल का क्विक रिविजन करने वाले है ओके सो आई होप यू लाइक द सेशन बहुत मजा आया यार इतने सारे पाँच हजार से ज्यादा बच्चे बैठ के लेक्चर देख रहे थे मेरे साथ पढ़ रहे थे एंड मोर देन वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड का क्लिक्स इधर पे है बहुत बहुत शिद्दत के साथ जो बच्चों ने पढ़े हैं आई होप आप सब कामयाब हो गए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा बस जो भी हमने करे है ना देख लेना यार एग्जाम में सेम चीज आने वाली है सेम सेम मजा आ जाएगा आपको ठीक है अब डरो मत कोशिश किए हो सब कुछ आसान होगा ठीक है आई लव यू ऑल मिलते हैं लेट नाइट स्टडी में एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेटस में सारे ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कर दो यार प्लीज़ एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को बोर्ड एग्जाम के बाद भी मैं आपको बहुत सारे गाइडेंस सेशन देने वाली हूँ कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है करियर गाइडेंस कौन सी स्किल सीखनी चाहिए स्पोकन इंग्लिश की वीडियोज़ तो ये चैनल के साथ आपको जुड़े ही रहना है ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्वेल्थ इंग्लिश हो गई बस कहानी ख़त्म ऐसा नहीं है ठीक है सो यस ग्रेट 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 थैंक यू वेलकम वेलकम बहुत सारे बच्चे एक मिनट रुक जाओ थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती यार प्रीशियस एक मिनट थोड़ा सा प्रीशियस मोमेंट होता है यार ये साल में एक बार ही तो ग्रेट सो so, यहाँ पे हमारे सारे के सारे बच्चे आप देख सकते हो तीन घंटे से ज्यादा बैठ के पढ़ाई करे है एंड सारे के सारे बच्चे लोग ने जो टारगेट बनाए थे आज पूरा कंप्लीट किए सो आई एम रियली रियली हैप्पी फाइनली हमारा आज का ग्रामर का मैराथन सक्सेसफुली डन हुआ है एंड इसी तरीके से हम बाकी के सेशन को भी करेंगे अगर आपको मजा आया तो बाकी का सेशन भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ पोयम चैप्टर राइटिंग स्किल एंड नॉवल चलो बाय 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 टेक केयर एंड कॉमेंट करके जरूर जाना वीडियो के नीचे मुझे हर बच्चे का कॉमेंट चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई एटलीस्ट एक थम्सअप बना के लिख देना बट मेरे को सब बच्चे का कॉमेंट चाहिए हाँ बाय